Hello everyone, uh, a very warm good afternoon. Uh, hello everyone, a very warm good evening to all of you. I am Shel, Shel and I am your educator on the Unacademy platform. And today we will talk about DNA structure, and today's lesson is our fourth lesson. Uh, as we have already talked about DNA structure in our previous three classes, so today's class will be our lecture four. बिफोर दैट uh, let me get confirm. Am I visible? Am I audible and visible? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ कोई मुझे आंसर कर सकता है जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए शेयर कीजिए जल्दी से और अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाइए कल हम क्लास नहीं कर पाए थे क्योंकि उड़ीसा में भुवनेश्वर में गैस साइक्लोन का थोड़ा डर था कि लाइन नहीं रहेगा क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है बारिश भी हो रही है इसलिए कल क्लास मैंने नहीं लिया था कि अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगी क्योंकि लाइन का प्रॉब्लम हो जाता है जब बारिश होती है या लाइट चली जाती है तो तो इसलिए मैं कल क्लास नहीं ले पाई थी लेकिन आज मैं क्लास ले रही हूँ <coughs> जल्दी से आ जाइए आप सब तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे आज से पहले हमने पढ़ा क्लास वन में हमने पढ़ा था या लेक्चर वन में हमने पढ़ा था कि डीएनए स्ट्रक्चर का बेसिक सबसे पहले हमने देखा था शुगर डीएनए एन स्ट्रक्चर का जो शुगर जो मेन पार्ट है उसके बारे में देखा था हमने देखा था राइबोस शुगर क्या होता है डी शुगर क्या होता है देन राइबो शुगर में हमने देखा था कि बीटा डी शुगर क्या होता है अल्फा शुगर क्या होता है बीटा क्या होता है देन कैपिटल डी कैपिटल एल का मीनिंग क्या होता है जैसे कैपिटल डी राइबोस कैपिटल एल राइबोस देन स्मॉल डी राइबोस स्मॉल एल राइबोस देन प्लस एंड माइनस राइबोस तो इस तरह से डिफरेंट ये जो कंफ़िगरेशन कन्फिग्रेशन ये हमने देखे थे ग्लूकोज शुगर के तो हमने शुगर के बारे में डिटेल में पढ़ा था देन हमने पढ़ा था फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल किस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल में हमारे तीन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आइटम्स है वो क्या है फिर कैसे वो फॉस्ोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है फिर फॉसफोडाइस्टर बॉन्ड क्या है कैसे बनता है फिर हमने देखा था नाइट्रोजीनियस बेसिस के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस दैट इज प्यूरिन एंड देन हमने उनके स्ट्रक्चर को देखा था उनके स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी प्यूरिन एंड पिमिडिन एडेनाइन ग्वानाइन साइटोसिन यूरासिल एंड थायमिन फिर हमने देखा था कि एडेनाइन और थायमिन के बीच में कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड का मीनिंग क्या है एडेनाइन और थायमिन के बीच में ही क्यों हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं एडेनाइन और ग्वानीन के बीच में क्यों नहीं बनते हैं फिर हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू स्टेबिलाईज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फिर हमने देखे थे अदर टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन ऑल्सो विच आर इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द डी एन ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमने बेसिकली उसमें देखा था बेस टैकिंग प्रॉपर्टीज देन वैंडोवॉल्स इंटरैक्शन हमने डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था फिर हमने uh, फिर हमने देखा था कि नाइट्रोजेस uh, बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर कौन है आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर को जो रिकोगनाइज़ करने में आप लोगों को लास्ट क्लास में मुझे लगा था थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसे आज सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे ओके विजय गुड इवनिंग रूपम झा हेलो तो ये सब हमने लास्ट क्लासेस में देखे थे तो अब हमें शुरू करना चाहिए आज की क्लास उससे पहले आ, एक बम्पर ऑफर है आप लोगों के लिए हमारा जो अन का प्लेटफॉर्म है उसमें आप अगर ट्वेल्व मंथ्स का सब्सक्रिप्शन uh, खरीदते हैं यू विल गेट वन मंथ एब्सोल्युटली फ्री एंड दिस इज़ वैलिड टिल टुडे दैट इज़ मे ट्वेंटी सिक्स सो आई सजेस्ट यू ऑल टू बाय द पैकेज इमिडिएटली क्योंकि अगर आप ट्वेल्व uh, मंथ्स का खरीदेंगे तो वन मंथ का फ्री हो जाएगा मैम आप इसके बाद कौन सा यूनिट कराएंगे बेटा डी एन स्ट्रक्चर के बाद uh, मैंने प्लान किया था रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन लेट्स सी क्या होता है आप लोगों ने कल बोला था परसों बोला था प्रोटीन स्ट्रक्चर तो होगा तो प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को यूज पढ़ा के मैं इस ओवरऑल पैकेट को खत्म करूंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो आप लोग ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अच्छा है ये पैकेज ट्वेल्व मंथ्स का लेने से वन मंथ का एब्सोल्युटली फ्री है एंड ये आज रात बारह बजे तक ही है तो आप लोग ये ले लीजिए बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए क्योंकि वन मंथ का फ्री है तो आप ट्वेल्व मंथ्स के लिए अपने प्रिपरेशन को सिक्योर कर सकते हैं प्लस अन अकेडमी यू जी सी अन अकेडमी सी एस आई नेट का जो हमारा चैनल है आप उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड uh, बहुत सारे एडुकेटर्स है इस प्लेटफॉर्म पे जो आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स uh, को पढ़ाएंगे क्योंकि तो मैंने न्यू ज्वाइन किया है इस इसलिए मैं इस टॉपिक से डी एन स्ट्रक्चर से स्टार्ट की पूरा बेसिक से स्टार्ट करके हम पूरा हाई लेवल तक जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो इस तरह से चलेगा ओके यस मैम वो ही करा दीजिए रेप्लीकेशन ओके रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मैंने ये टारगेट किया है लेट्स सी यही मेरा प्लान है आगे का सो so, तो ये आ, हमारा जो ये प्लान है इसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को अब हम आगे बढ़ते हैं आ, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो मैंने बता दिया है रिकैप कर लिया है अभी स्टार्टिंग में ही वीडियो के थोड़ा सा शुरू करते हैं फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सेप्टर और डोनर जो मुझे लगता है आप लोगों को लास्ट क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था जानने में कि एक्सेप्टर या डोनर क्या होता है ला, आ, एक नाइट्रोजनीस बेस में तो लेट्स स्टार्ट ओके जैसे कि एच एफ अगर एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल है एच टू ओ अब इनके बीच में कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर है मैंने आप लोगों को बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट इज़ एन इंटर इट इज़ एन इंटर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और इसे एक्जैक्टली exactly बॉन्ड बोलना ठीक नहीं होगा ये एक इंटरेक्शन है तो इसमें क्या होता है एक मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास हाईली उसके पास हाईली पोलराइज एच प्लस होता है और एक मॉलिक्यूल के पास हाईली पोलराइज एच प्लस होता है ये पक्का बात याद रखिए सेकेंड मॉलिक्यूल के पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है विच हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसे लिख लीजिए और ये हाईली पोलराइज हाइड्रोजन आइटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो है डेट इज डैट इज बॉन्डेड विथ क्वालेंटली बॉन्डेड विथ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम ठीक है तो यहाँ पर देखिए जब भी, भी कोई एक मॉलिक्यूल होगा समझ लीजिए ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं इन दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ए जो है ए के पास दो क्वालिटी होनी चाहिए सबसे पहली बात तो ए के पास हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए प्लस ये हाइड्रोजन आइटम कोवालेंटली बॉन, बॉन्डेड होना चाहिए एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ में ये बात ध्यान रखना है एंड जो ये बी है ये बी जो है उसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम तो होना ही चाहिए प्लस उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए ये दो चीजें अगर होंगी तो ही कोई दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो देखिए यहाँ पर तो कन्फ्यूजन डेवलप कर गया क्योंकि दोनों के पास दोनों चीज़ें हैं जैसे कि एच और एफ अगर देखेंगे तो एच और एफ के बीच में एच भी है और एफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा एच से प्लस एफ के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है है कि नहीं यहाँ पे भी वाटर का देखिए ओ के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और फिर ये एच बी है हाँ मैं इनमें से किसको डोनर मान और किसको एक्सेप्टर मान तो आप बस इतना याद रखिए ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स आएंगे आपको आप ऐसा याद रखिए सिंपल सी बात है कि जब भी दो मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी उनके ये क्वालिटीज़ होंगे ये दो क्वालिटी कि एक के पास हाइली पोलराइज एच प्लस हाईली पोलराइज का मतलब मैंने आपको बताया था हाईली पोलराइज का मतलब होता है कि जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एफ के एफ ने अपने तरफ ज्यादा कर रखा है इस वजह से इसने डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप किया है सॉरी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है इसने डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप किया है तो इट इज हाईली पोलराइज और ये आसानी से टूट के बाहर जा सकता है और इसके ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि जो दूसरा मोलिक्यूल है उसके पास एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उसके अलावा उसके पास लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इस केस में क्या होगा जो हाइड्रोजन आइटम है एक मोलिक्यूल का दैट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट तो आपको बस इतना ही दो बातें याद रखिए कि दो मॉलिक्यूल होते हैं दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास हाइड्रोजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है प्लस वो हाइड्रोजन जो है वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा बस फर्स्ट बात और सेकेंड मोलिक्यूल जो है उसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा एंड उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये ये जो इंटरेक्शन है ये बेसिकली हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहलाएगा एक्सेप्टर और जिसके पास हाइड्रोजन जो अट्रैक्टेड हो रहा है वो कहलाएगा डोनर यहाँ तक समझ में है आप लोग को प्रिंसू तिवारी गुड इवनिंग अच्छा आप लोग मुझे बीच बीच में मैं पूछूंगी अगर तो फिर तुरंत तुरंत आंसर कीजिएगा क्योंकि यहाँ का मौसम ठीक नहीं है बहुत तेज़ आंधी चल रही है अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो क्लास भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी इसलिए मुझे पता रहना चाहिए कि मैं जो बोल रही हूँ वो लाइव जा रहा है तो मैं जब पूछूँ तो आप लोग प्लीज़ आंसर कीजिएगा तुरंत ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड में सिर्फ इतना ही याद रखना है एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन होना चाहिए विच इज़ कनेक्टेड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एंड सेकेंड मॉलिक्यूल के पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होना चाहिए इज हैविंग लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्शन में आ रहा है वो कहलाएगा एक्सेप्टर और जिसका हाइड्रोजन आइटम इन्वॉल्व हो रहा है वो कहलाएगा डोनर बस इतना याद रखिए और कंफ्यूजन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जैसे यहां पर अब ये वाला कॉन्सेप्ट अगर याद रखेंगे तो आप नाइट्रोजीनियस बेसिस से आसानी से डोनर एक्सेप्टर पहचान सकते हैं जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये एक एक्सेप्टर है ये काम आएगा अभी आज हम टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे उसमें अच्छे से काम आएगा इसलिए थोड़ा और समझा रही रहे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आइटम्स है तो ये हो गया डोनर ये देखिए हाइड्रोजन आइटम है ये हो गया डोनर ये सिर्फ नाइट्रोजन है ये हो गया एक्सेप्टर ये देखिए ये ऑक्सीजन है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा तो ये हो गया एक्सेप्टर ये देखिए हाइड्रोजन है तो ये ऑफकोर्स जाएगा तो ये हो गया डोनर देखिए ये हो गया एक्सेप्टर क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है ये हो गया एक्सेप्टर ये हो गया एक्सेप्टर ये सॉरी ये तो शुगर के शुगर के साथ इन्वॉल्व है इसको छोड़ देता है वैसे यहां पर आप नेक्स्ट देखते हैं आगे यहां पर देखिए ये वाला हाइड्रोजन क्या है डोनर ये क्या है एक्सेप्टर ये क्या है डोनर ये क्या है एक्सेप्टर ये क्या है एक्सेप्टर ये क्या है एक्सेप्टर ये क्या है एक्सेप्टर सॉरी एक्सेप्टर तो इस तरह से इस तरह से जो भी चीज़ें आप लोग खाली इसमें पहचानने की कोशिश कीजिए कि, था कि, था कि, था कि था किस तरह से एक्सेप्टर और डोनर होगा इस कॉन्सेप्ट को तो लेके ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ये पिछले क्लास का थोड़ा सा कंटिन्यूएशन था अब आगे बढ़ते हैं साइक्लोन की वजह से आप जहाँ हैं ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं नहीं प्रिंसू थैंक यू मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ उड़ीसा के तो यहाँ पे एक्चुअली उसका लैंडफॉल नहीं हुआ था लैंडफॉल मतलब जहाँ पे वो टकराता है साइक्लोन तो वो एक्चुअली यहाँ से तीन चार घंटा दूर जगह पे तो यहाँ इतनी ज़ोर से कुछ इफेक्ट नहीं आया है खाली बारिश हो रही है और हवा चल रही है ज़ोर से तो आंधी हो रही है इस वजह से वाईफाई डिस्कनेक्ट हो सकता है तो इसलिए आप लोग आंसर कीजिएगा जब मैं आपको बता पूछूंगी तब ओके okay, टॉटोमेरिज्म तो मैम डीएनए रिपेयर सिस्टम में भी है ना यस yes, वहाँ पे भी है हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं उससे पहले जस्ट वे डीएनए का हाइड्रोजन uh, बॉन्ड एक बार और समझा दी प्लीज आप उसको समझी क्लियर करिए ये इस लेवल पे बहुत ज़रूरी है तो हम आप आगे बढ़ेंगे आज के क्लास के से ठीक है तो ये मैंने बताया था जो वैसे फिर से एक बार बोल देती हूँ कि सी एस आई नेट का जो सब्सक्रिप्शन है अगर वो ट्वेल्व मंथ्स के आप लेंगे तो उसमें वन मंथ आपको फ्री मिलेगा और ये आज रात बारह बजे तक ही है तो आपको वन मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे सब्सक्रिप्शन ले लेंगे अन अकेडमी का और उसके प्लेटफॉर्म पे आप बहुत सारे एडुकेटर्स से पढ़ सकते हैं थैंक यू प्रिंसू थैंक यू ओके आगे बढ़ते हैं तो आ, अच्छा उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरल होते हैं एंटी पैरल एंटी पैरल का मतलब क्या है जो पोलैरिटी है दोनों स्ट्रैंड की वो इस तरफ से फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम मतलब क्या है फाइव प्राइम से थ्री प्राइम का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा मैं बस एक बार रिपीट कर देती हूँ फाइव प्राइम का मतलब होता है वो एंड शुगर का जहाँ पे सॉरी वो एंड डीएनए का जहाँ पे शुगर के साथ में फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो फिफ्थ पोजीशन पर और उसके ऊपर और पूछना हो थ्री प्राइम का एंड होता है डी का वो पोर्शन जहाँ पे शुगर हो और उसका थ्री प्राइम एंड फ्री हो नए आगे बढ़ने के लिए मतलब ये थ्री प्राइम फ्री है तो यहाँ पे एक फॉस्फेट आके लग सकता है लेकिन ये लगा नहीं है वैसे ही यहाँ पे थ्री प्राइम का मतलब शुगर का ओ एच फ्री है फॉस्फेट आके लग सकता है और इसका फाइव प्राइम का मतलब क्या है कि फॉस्फेट ऑलरेडी अटैच्ड है फिफ्थ प्राइम ऑफ शुगर यही है थ्री प्राइम से फाइव प्राइम का मतलब और ये एंटी पैरल है दोनों इसका मतलब क्या है दोनों की पोलैरिटी अलग है पोलैरिटी मतलब पोल्स अलग है एक अगर प्राइम से 3 तो 3 से प्राइम 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 होगा होगा एक तो दूसरा ठीक है आ, ऐसा क्यों होता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे और ज्योमेट्री दोनों की एक जैसे जैसे यहाँ पे देखिए ये सिंगल सिंगल रिंग है यहाँ पे डबल रिंग है ताकि ये दोनों की ज्योमेट्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके और उनके बीच में बॉन्ड पैर अच्छे से बन सके प्लस ये भी ध्यान रखिएगा जो फाइव प्राइम से थ्री प्राइम है उनके शुगर्स देखिए आप ऊपर की तरफ फेस किए हुए हैं थ्री प्राइम से फाइव प्राइम स्टैंड के शुगर्स देखिए नीचे की तरफ फेस किए हुए हैं आप ये प्रैक्टिस कीजिए अपने घर में डीएनए के दोनों स्टैंड को बनाना ताकि आपका ये सारा डाउट क्लियर हो सके ठीक है आगे बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने क्लियर कर दिया है आपको उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डबल हेलिक्स में जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है नाइट्रोजेनियस बेसिस के बीच में तो वो जो नाइट्रोजेनियस बेसिस होते हैं जैसे कि ए इज डबल बॉन्डेड टू टी ये तभी होगा जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब लॉक एंड की मतलब अगर इसके साथ में ये तभी दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा जब एडेनाइन के दो पोजीशंस और थाइमीन के दो पोजीशंस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं मतलब एडेनाइन का दो प्लेसेस पे और थाइमीन के दो प्लेसेस पे जैसे कि यहाँ पे हमने देखा देखिए एडेनाइन और थाइमिन का देखिए दो एटम्स का आइटे का देखिए एन वन जो है वो क्या है डोनर है एन खाली है और एन थ्री में एच है सॉरी 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 एन 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 वन क्या है एक्सेप्टर है ये डोनर है यहाँ पर देखिए ये डोनर है ये एक्सेप्टर है तो तभी डबल बॉन्ड बन पाएगा अच्छा डी एन ए की पोलैरिटी में क्यों डैश लगा होता है और प्रोटीन में क्यों नहीं ओके मैंने आप लोगों को बताया था कि नाइट्रोजेनियस बेसिस में भी कार्बन आइटम्स होते हैं और शुगर में भी कार्बन आइटम्स होते हैं समझ लीजिए ये हमारा शुगर है अगर इसमें भी कार्बन आइटम्स है ना वन टू थ्री फोर एंड फाइव है ना वैसे नाइट्रोजेनियस सॉरी वैसे नाइट्रोजेनियस बेसिस में भी कार्बन आइटम्स है है ना? हैं तो अगर मैं बोली समझ लीजिए कार्बन नंबर वन तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं है, मैम कार्बन नंबर वन किसके बारे में आप बात कर रही हैं शुगर के बारे में या नाइट्रोजनियस बेस के बारे में तो ये कन्फ्यूजन हर वक्त चलेगा इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने एक कोड बनाया एक रूल बनाया कि जब भी शुगर के कार्बन की बात करेंगे तब उसे डैश देंगे या प्राइम बोलेंगे डैश नहीं यूज करना बहुत ठीक है प्राइम तो वन प्राइम टू प्राइम अगर मैंने प्राइम वर्ड यूज कर लिया तो आपको पता होना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन आइटम ऑफ द शुगर और अगर हमने नॉर्मल बात किया इसे प्राइम यूज नहीं किया दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन आइटम ऑफ द नाइट्रोजन नाइट्रोजनियस बेसिस नेक्स्ट देखिए यहां पर पोलैरिटी में हाँ पोलैरिटी में देखिए यहाँ पर देखिए ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल है कहाँ है मेरा पेन कहाँ है आपको दिख रहा है मेरा पेन हाँ दिखिए मुझे हाँ देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये यह जो शुगर मॉलिक्यूल है उसके साथ में जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो किसके -किस कहाँ अटैच है फिफ्थ कार्बन में मतलब फाइव प्राइम कार्बन में तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइव प्राइम से थ्री प्राइम आपको बस इतना याद रखना है फाइव प्राइम का मतलब होता है कि फॉस्फेट अटैच है फिफ्थ कार्बन में और थ्री प्राइम का मतलब है कि शुगर वहाँ पे थर्ड पोजीशन में फ्री है उसका ओ एच फ्री है ताकि वहाँ पे और फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है या ऐसा समझिए वहाँ पे थ्री प्राइम में ओ एच फ्री है आप समझ में आए आपको और प्रोटीन में ऐसा कुछ नहीं है प्रोटीन में पाइप प्राइम थ्री प्राइम है ही नहीं पहली बात तो प्रोटीन में तो शुगर है ही नहीं ना प्रोटीन्स का जो है अमीनो एसिड्स के से बना होता है तो उसमें अमीनो एसिड का अल्फा कार्बन बोला जाता है यही सब वर्ड्स यूज़ करते हैं वहाँ पे फाइव थ्री ये सब कुछ यूज़ नहीं होता है यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है आप समझ में आए क्योंकि हम शुगर के साथ में कहाँ अटैच है फॉस्फेट है या नहीं उस बेसिस पे हम इसको डायरेक्शन देते हैं तो अगर फिफ्थ पोजीशन में फाइव प्राइम का मतलब होता है फिफ्थ पोजीशन फिफ्थ कार्बन में फॉस्फेट अटैच है थ्री प्राइम कार्बन का मतलब होता है ओ एच फ्री है बस इतना याद रखिए तो आपको याद हो जाएगा कि थ्री प्राइम से फाइव प्राइम एंड फाइव प्राइम से थ्री प्राइम का मतलब क्या है याद कैसे रखेंगे इतना बस सोच लीजिए फाइव हायर नंबर है तो उसके साथ फॉस्फेट अटैच है थ्री लोअर नंबर है तो उसके साथ वो फ्री है बस ठीक है समझ में आ गया ओके आगे बढ़ते हैं ओके विजय तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर हो गया था मैं बस इसको रिपीट कर रही करी जैसे देखिए यहाँ पर एडेनाइन और थाइमीन के बीच में क्यों डबल बॉन्ड बना था यहाँ देखिए काम पेन हाँ क्योंकि एडेनाइन और थाइमीन के बीच में जब उनका जो जब वो लोग फेस टू फेस आए तो उनके फेस टू फेस आने से जो एटम्स एक्सपोज हुए तो दो पोजीशन में एडेनाइन के और दो पोजीशन में थाइमीन के हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की अवेलेबिलिटी uh, हुई या चांसेस डेवलप किए कैसे देखिए यहाँ पे थाइमीन का ये जो ओ है दिस इज एक्सेप्टर क्योंकि इसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन है एच नहीं है दिस एन एच इज हैविंग एच सो दिस इज डोनर मैंने आपको बताया डोनर वही होता है जिसके पास हाइड्रोजन आइटम अटैच होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से और एक्सेप्टर वो होता है जिस, जिसके जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है और उसके पास लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो देखिये ये डोनर है ये एक्सेप्टर है I mean का. का देखिए ये क्या है डोनर डोनर और ये है देखिए एक्सेप्टर तो जब एक एक्सेप्टर और डोनर एक्सेप्टर और डोनर फेस टू फेस आएंगे किसी भी दो मॉलिक्यूल के तभी उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एडेनाइन और थाइमिन के बीच में दो प्लेसेस पे एक्सेप्टर और डोनर फेस टू फेस आते हैं इसलिए सिर्फ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और देखिए और कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन फेस टू फेस आने के चांसेस कम है देखिए ये वाला देखिए ये एक्सेप्टर है ये भी एक्सेप्टर है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता तो एडेनाइन और थाइमिन जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है उनका मतलब लॉक एंड की जैसा इनका सिचुएशन रिलेशनशिप है मतलब एडेनाइन थाइमिन के साथ ही बना सकता है क्योंकि जब वो दोनों फेस टू फेस आते हैं कंपैटिबल रहते हैं उनके बीच में वैसे मॉलिक्यूल्स एटम्स फेस टू वैसे पोजीशंस एक्सपोज रहते हैं जहाँ पे दो जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए दो या तीन बनता है और सिर्फ स्पेसिफिक नाइट्रोजेनियस बेसिस के बीच में बनता है जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी रहती है और उसके बाद हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंटारिटी शेप और ज्योमेट्री बहुत मैटर करता है क्योंकि एडेनाइन देखिए डबल रिंग है लेकिन थाइमिन सिंगल रिंग है तो ये ज्योमेट्री का कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा वो एटम्स के एक्सपोज होना बहुत जरूरी है तभी उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है तो यहाँ पर मैंने बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप मतलब एडेनाइन थाइमिन के साथ ही बनाएगा मतलब इन दोनों के बीच में वो पोजिशन एक्सपोज होंगे जिन जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना आसान है प्लस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होने से सेल्फ कोडिंग कैरेक्टर ये मैंने पिछले क्लास में समझाया था उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ द शेप ज्योमेट्री वो होना जरूरी है तो यहाँ पर देखिए ए और टी के बीच में तीन दो बॉन्ड और जी और सी के बीच में तीन बॉन्ड इस तरह से हमने सीखा था पिछले क्लास में देखिए जी और सी के बीच में देखिए जी ये हो गया एक्सेप्टर क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है ये देखिए ये दोनों हो गया डोनर ये दोनों वो चीजें हैं जिनके पास जो जहां हाइड्रोजन है और वो अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से तो ये एक्सेप्ट डोनर हो गए ये देखिए ये डोनर है ये एक्सेप्टर है ये देखिए ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है डोनर तो एक्सेप्टर फेस टू फेस आने से जितने पोजिशन में आएंगे उतना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा है क्लियर समझ में आ रहा है आपको ठीक है ना ठीक है तो इस तरह से हमने पिछले क्लास में देखा था ये सारी चीज़ें देखी थी उसके बाद हमने देखा था मैम इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे ओके इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं आपको पूछा जा सकता है कि कौन से प्लेसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ग्वानाइन और साइटोसिन में नंबर आपको याद रखना होगा सिक्स वन टू फोर थ्री टू सिक्स वन फोर थ्री ये याद रखना पड़ेगा देन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डोनर एक्सेप्टर कैसे बनते हैं उनका मतलब क्या होता है क्योंकि हम जब मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप पढ़ेंगे उसमें डोनर एक्सेप्टर का ऑर्डर याद रखना जरूरी है ऐसा क्वेश्चन आता है प्लस ये भी आ सकता है कि नाइट्रोजेनियस बेस का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है नाइट्रोजन nitrogen बेस का नाइट्रोजनियस बेसिस का अल्टरनेट नेम याद आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ठीक है टेके? तो ये इस तरह से है और ये बेसिक चीजें हैं अगर ये नहीं समझेंगे तो बहुत सारी जगहों पर आप अटक जाएंगे तो इसको क्लियर करके आगे बढ़िए ठीक है उसके बाद मैंने बताया था कि ये अगर हमारा डीएनए का एक स्ट्रैंड है तो इसके साथ नाइट्रोजेनियस बेसिस ऐसे ऐसे लगे हुए थे दे आर पैरल टू अदर और इसको बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर पैरल लग रखना जैसे कि कॉइंस को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है या हम बुक्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इसको बोलते हैं स्टैकिंग एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक हम पैरलली सारे नाइट्रोजेनियस बेसिस देखते हैं इसको बोलते हैं नाइट्रोजेनियस बेसिस आर स्टैक्ड स्टैक नीटली ऑन ईच अदर एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली exactly वो रहते इस से क्या होता है छोड़ा था इस चीज को रिपीट करके हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले बोल देती हूँ मैंने ये बताया था आपको पिछली क्लास में कि अगर एक स्ट्रैंड है डीएनए का तो यहाँ पे नाइट्रोजेनियस बेसिस हैं जो कि स्टैक्ट हैं एक दूसरे से तो ये नाइट्रोजेनियस बेसिस का क्या हो जाएगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड जिस चीज पोजीशन में बन सकता है वो एक्सपोज हो जाएगा तो इसे स्टेबल रखने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ठीक है फिर जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आ जाएगा इसके वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे ऐसा ही होता है हर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब भी पानी में डिजोल्व किया जाता है तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वाटर मोलिक्यूल्स सेटिस्फाई करके उसको स्टेबल बना के रखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे बनता है कि उसका फ्री एनर्जी डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है और डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब क्या है वो रिएक्शन स्टेबल है ठीक है ये मैंने बताया था देन ये सब बताया था मैंने यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरेक्शन या पाई पाई इंटरेक्शन क्या होता है मैं क्लियर हूँ ना यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप लोगों को पाई पाई इंटरेक्शन क्या होता है अच्छा मैम शुगर के सेकेंड पोजिशन वाले ऑक्सीजन ही क्यों बहुत रिएक्टिव होता है शुगर के सेकेंड पोजिशन वाला ऑक्सीजन ही अच्छा देखिए शुगर का आर एन ए की अगर बात करेंगे तो देखिए फर्स्ट जो है वो बेस के साथ चला गया ग्लाइकोसाइडिक बनाने के लिए सेकेंड का फ्री बैठा है थर्ड का तो चला गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ में फिफ्थ के पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं सॉरी फोर्थ के पास क्योंकि तो फोर्थ का ऑक्सीजन ये है ये ऑलरेडी सिस्टम में है और फिफ्थ यहाँ पे है सी एच टू एच जो कि ऑलरेडी फॉस्फेट के साथ लगा हुआ है तो आखिर में फ्री कौन है यही ना इसीलिए आर एन ए का ये वाला पोजिशन बहुत रिएक्टिव होता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जिस वजह से आर एन ए को कोई भी रिएक्ट कर कोई भी अटैक करके उसको तोड़ सकता है इसी वजह से डी एन ए में डी एन ए में सेकेंड पोजिशन से हटा ही दिया जाता है ताकि उसके ऊपर कोई अटैक करके हमारे जेनेटिक मटेरियल को ना तोड़ दे ठीक है समझ में आया विजय ओके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरेक्शन क्या होता है जिस तरह से देखिए समझ लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है ये सेकेंड मॉलिक्यूल है ठीक है देखिए ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसमें देखिए इसका समझ लीजिए न्यूक्लियस है और यहाँ पे ए ऑर्बिटल्स है ठीक है ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है अब तो क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं ठीक है ठेके? यहाँ बी का भी वही हाल है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ठीक है ठेके? ये भी मूव कर रहे हैं ये मूवमेंट की वजह से ऐसा हो सकता है कि कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बहुत ही बहुत ही कम समय के लिए मिली सेकेंड्स माइक्रो आप बोल सकते हो बहुत बहुत कम समय के लिए इंस्टेंटेनियस बोल सकते हो आप इंस्टेंटेनियस से मैं कम क्या बोलू इंस्टेंटेनियस ठीक है ना हाँ इसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए समझ लीजिए सारे इलेक्ट्रॉन्स या आउटोमोस्ट ऑर्बिटल का ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक तरफ आ गए और इसके सारे इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले गए हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे ये एक केस हो सकता है नहीं तो सेकेंड केस ये भी हो सकता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स दो, दोनों दोनों के एक ही तरफ आ गए जिससे कि रिपल्शन फील हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि सारे इलेक्ट्रॉन दोनों के इस तरफ आ गए और दोनों के न्यूक्लियस के बीच के वजह से रिपल्शन हो सकता है तो इस तरह से क्या होगा शेयर दिस से क्या बोल रहे हो बेटा मैम प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ डी इसका तो ओके okay बेटा मैं बात करूंगी मैं एक्चुअली अभी नई नई आई हूँ ना मैं ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन नहीं जानती हूँ पी कैसे शेयर करना है क्या करना है मैं बात करके बताऊंगी और वैसे भी मैंने बता दिया है ना कि है, मैं सब कुछ लेनिंजर और वाटसन से पढ़ा रही हूँ ये जो पैराग्राफ है ये वाट्सन से लिया गया है दैट्स ऑल आप लेनिंजर या वाटसन हमें जब ये क्लास खत, चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी कि लेनिंजर और व्हाटसन का हमने क्या क्या कवर किया है ऑलमोस्ट हम लेनिजर और वाटसन का डीएनए स्ट्रक्चर कम्पलीटली कवर करेंगे एक एक वर्ड बाई वर्ड यहाँ कंप्लीट करेंगे तो ये लेनिंजर और वॉटसेंस है फिर भी मैं ट्राई करूंगी डोंट वरी ओके अर्शद ओके विक्की ओके तो देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिपल्शन या अट्रैक्शन इसको बोलते हैं वैंडोवॉल्स फोर्सेस वैंडोवॉल्स इंटरक्शन इसको बोलते हैं वैंडोवाल्स इंटरक्शन ठीक है तो ये ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही बोलेंगे ना इलेक्ट्रॉन एक साथ घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरैक्शन या वैंडरवॉल्स इंटरेक्शन देखिए यहां पर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरेक्शन और वैंडोवाल्स इंटरक्शन द स्टैक्ड बेसिस आर अट्रैक्टेड टू अदर बाय ट्रांजियंट इंड्यूस्ड डाइपोल्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ए फेनोमिन नोन एज वैंडरवॉल्स इंटरेक्शन ये मैंने वॉटसन से उठाया है ये चीज को इसका मतलब क्या है <coughs> देखिए जैसे मैंने अभी जो बताया एक ए और बी समझ लीजिए इसके सारे इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए यहाँ आ गए इसके सारे इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए यहाँ आ गए ये रिपल्शन फील करेगा इंस्टेंटेनियस अब इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए इनके न्यूक्लियस के बीच में हो सकता है कि अट्रैक्शन फील हो फिर ऐसा हो सकता है इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए इसके सारे इलेक्ट्रॉन दूर हो गए तो इसका न्यूक्लियस इसके तरफ अट्रैक्शन फील कर सकता है ये सारा वैंडोवल्स इंटरेक्शन है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि देखो ये डेल्टा नेगेटिव होगा ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव होगा ये डेल्टा पॉजिटिव रिपल्शन ये देखो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव तो ये इंड्यूस्ड है क्यों क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हर वक्त घूम रहा है पूना नायक गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे प्लेस हो जाए कि उनके बीच में अट्रैक्शन हो तो ये जो स्टैक्ट हुए ना नाइट्रोजनियस बेसिस नाइट्रोजेनियस बेसिस में तो बहुत सारे नाइट्रोजन एटम्स है बहुत सारे एटम्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो पाई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है हमारा पाई एक होता है सिग्मा तो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अगर बाय चांस इनमें से कोई एक चीज अटेंड कर ले तो उनके बीच में नाइट्रोजन इस बेसिस के बीच में टेम्परली या बहुत कम समय के लिए एक ट्रांजियंट इंटरेक्शन होता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाईपोल या वैंडोवल्स इंटरेक्शन इसको बोलते हैं बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन भी कह सकते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डबल हेलिक्स स्टेबिलाइज नहीं होता है ये सेक्शन सी में आ सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बेस डबल हेलिक्स कभी भी स्टेबिलाइज नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो डबल हेलिक्स है उसमें सिर्फ बेस स्पेसिफिसिटी डेवलप करती है और बेस पेयरिंग होती है मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल बहुत कम है ये सिर्फ और किस में कम है डबल हेलिक्स के स्टेबिलिटी में हाइड्रोजन बॉन्ड करता क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेसिफिस स्पेसिफिसिटी मेंटेन करता है ए हमेशा डब टी के साथ होगा और बेस पेयरिंग में इसका रोल है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डबल हेलिक्स स्टेबिलाइज नहीं होता है डबल हेलिक्स स्टेबिलाईज होता है लेकिन इसका रोल बहुत कम है स्टेबिलाइज होता है बेस टैकिंग इंटरेक्शन बेस टैकिंग इंटरेक्शन का मीनिंग मैंने बताया ये अगर हमारा हेलिक्स है एक स्ट्रैंड है और यहाँ पे हमारे नाइट्रोजनियस बेसिस है तो नाइट्रोजनियस बेसिस जिस तरह से एक के बाद एक आप कॉपी को एक स्टैक बना के अरेंज करते हैं अपने शेल्फ में या टेबल में उसी तरह से नाइट्रोजेनियस बेसिस एक दूसरे के ऊपर अटैच अच्छे से रखें अरेंज किए हुए ठीक है उनका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उन, उनमें जो एटम्स होंगे उनका तो इस तरह से ही अरेंजमेंट होगा ना उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कभी कभी इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस या बहुत कम समय के लिए होता है उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरक्शन वैंडोवॉल इंटरेक्शन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पाई पाई इंटरेक्शन इस वजह से भी बहुत वो नाइट्रोजीनियस बेसिस एक दूसरे से अट्रैक्शन फील करते हैं और हमारा जो डबल हेलिक्स है वो स्टेबिलाईज होता है प्लस अब देखिए क्या होगा ये जो इंटरेक्शन हुआ इससे नाइट्रोजनियस बेसिस पैर हो गए मतलब समझ लीजिए एक दूसरे से अट्रैक्शन फील कर रहे हैं अब क्या होगा ये जो अट्रैक्ट हुए यहाँ पर देखिए दी देखिए यहाँ पर बेस टैकिंग इन द डबल हेलिक्स देखिए द हाइड्रोफोबिक सर्फेसिज बाई बैक ऑफ स्टैकिंग इन सिंगल स्टैंडर्ड मिनिमाइजिंग द एक्सपोजर ऑफ बेस सर्फेसिज टू वाटर मोलिक्यूल मतलब क्या है uh, जो uh, हमारा जो नाइट्रोजनियस बेसिस है दे आर हाइड्रोफोबिक मैंने आपको बताया था आप ये भी बात याद रखेंगे कि अगर किसी मोलिक्यूल में एक याद, बॉन्ड अगर पोलर हो जाता है मतलब ये नहीं है कि वो पूरा मॉलिक्यूल पोलर होगा या हाइड्रोफिलिक होगा एक आध के बॉन्ड की वजह से कुछ असर नहीं पड़ता इस तरह से देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन इस बेसिस जो है देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन इस बेसिस में देखिए ये एक पोलर बॉन्ड है क्योंकि ओ ने क्या किया है ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के रखा है डेल्टा नेगेटिव ये हो गया सॉरी डेल्टा हाँ डेल्टा नेगेटिव ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव ये एक पोलर बॉन्ड है इसका मतलब यही नहीं कि पूरा मोलिक्यूल ही पोलर होगा यहाँ पे बहुत सारे नॉन पोलर बॉन्ड्स भी हैं तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा अगर पोलर polar है पोलैरिटी डेवलप की है तो हाइड्रोफिलिक होगा पोलैरिटी नहीं है तो हाइड्रोफिलिक हैड़ो, हाइड्रोफोबिक होगा जिस तरह से सी एच फोर सी एच फोर में जो चार एच लगे होते हैं ये क्या होता है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा अगर इसका टू है तो इसका भी टू है फॉर एग्जाम्पल जिस वजह से इन, इसका समझिए टू पॉइंट टू है जिस वजह से इनके बीच में जो इलेक्ट्र इलेक्ट्रॉन पैर है वो इक्वली शेयर हुआ है तो यहाँ पे कोई पोलर पोल्स डेवलप नहीं किए तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है मतलब यह हाइड्रोफोबिक है क्यों ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता लेकिन वही अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या है एच ओ एंड एच एक सेकेंड ओ एक एच एच इसमें क्या है ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इससे मतलब अगर ये वन है तो समझ लीजिए टू पॉइंट फाइव है ये क्या करेगा ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा तो ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल्स हमेशा हाइड्रोफिलिक होते हैं क्योंकि हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है वाटर में डिजोल्व होना जो भी मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे जैसे कि समझ लीजिए एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जैसे समझ लीजिए हमारा एच एफ एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि एफ इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन एच दिस इज डेल्टा नेगेटिव दिस इज डेल्टा पॉजिटिव तो दिस विल बी सॉल्यूबल इन एच टू ओ तो जो भी पोलर होंगे वो हाइड्रोफिलिक होंगे जो नॉन पोलर होंगे या हाइड्रोफोबिक होंगे ये मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था आप लोगों को समझ में आया था आ, आगे बढ़ रही हूं अभी तक मैं uh, समझ में आ रहा है ना जो बातें मैंने बताई बेस टैक इंटरेक्शन हाइड्रो वैंडोवाल्स इंटरेक्शन देन इंड्यूज डाइपोल अब ये वाला पैराग्राफ समझते हैं ये वाला लाइन समझते हैं देखिए क्या द हाइड्रोफोबिक सर्फेसेस आर बेरीड बाई बेस टैकिंग इन द डबल हेलिक्स मतलब क्या है डबल हेलिक्स में जो हाइड्रोफोबिक रीजन है कौन सा हाइड्रोफोबिक रीजन है नाइट्रोजीनियस बेसिस या हाइड्रोफोबिक रीजन है इन्हें वाटर से ये वाटर अगर ये एक्सपोज हो जाते तो क्या होता वाटर में हमारा डीएनए नहीं रह पाता मतलब हमारे सेल में तो वाटर ही है ना हमारे बॉडी में वाटर ही है ना तो हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को ही एक्सपोज किया जाता है जो भी मॉलिक्यूल का हाइड्रोफिलिक रीजन है वही एक्सपोज होता है सारे हाइड्रोफोबिक रीजन क्या होते हैं क्लस्टर बना के उस हाइड्रोफिलिक के पीछे छुप जाते हैं इसको बोलते हैं हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो आप जहां पे भी पढ़ते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड वो बॉन्ड नहीं है वो भी एक इंटरेक्शन है जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड एक बॉन्ड नहीं है एक इंटरेक्शन है जिस तरह से वैंडोवल्स फोर्सेस वो भी एक इंटरेक्शन है वैसे ही आ, यहाँ पे जो हम हाइड्रोफोबिक की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है समझ लीजिए एक प्रोटीन है आपके पास एक लंबा सा प्रोटीन है वो एक सेट की तरह स्ट्रक्चर है समझ लीजिए उसमें एक कॉर्नर में हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स उसके हैं और एक कॉर्नर में हाइड्रोफोबिक है मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जो हाइड्रोफिलिक उनका रीजन हाइड्रोफिलिक है अमीनो एसिड्स का भी रीजन होता है ना अमीनो एसिड्स भी नॉन पोलर पोलर उनके आर ग्रुप की वजह से होते हैं तो समझ लीजिए जो अमीनो एसिड्स डिजोल्व हो सकते हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे जो नहीं वो एक क्लस्टर बना के अंदर छुपे रहेंगे जिस वजह से हमारा प्रोटीन हमारे बॉडी में रह सके समझ में आया आप लोग को उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो क्या बोला जा रहा है ये जो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन हो रहा है मतलब वैंडोवाल्स फोर्सेस की वजह से ये जो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं एक दूसरे से इस वजह से ये छुप जाते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में ये छुप जाते हैं पानी से दूर हो जाते हैं और इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो देखो दीज हाइड्रोफोबिक सर्फेसिस आर बरीड बाई बेस स्टैकिंग इन द डबल हेलिक्स कम्पेयर विदेलेटिव लाइफ अगर यही नाइट्रोजिन बेस के बीच में बैंडोवाल इंटरेक्शन नहीं होता तो क्या होते ये ऐसे ही ऐसे, ऐसे एक दूसरे से दूर दूर भागते जिस वजह से ये वाटर के साथ इंटरैक्ट कर लेते लेकिन क्योंकि ये क्लस्टर होके पूरा एक ग्रुप बन के हैं इस वजह से ये वाटर से दूर हो रहे हैं जिसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आप लोगों को समझ में आया हेलो पूजा हेलो गुड इवनिंग समझ में आया आप लोगों को तो ये वाला स्लाइड थोड़ा सा ये वॉट्सन से लिया गया है एक पूरा पैराग्राफ आप हो सके तो आज की क्लास के बाद इसको एक बार और पढ़ लेंगे जाके आप जाकेटसन से मैंने पेज नंबर लास्ट क्लास में बता दिया था शायद 83 पेज नंबर था वाटसन का आप वहां पे जाके ये पढ़ लीजिए मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझा दिया है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आज का फ्रेश टॉपिक लेते हैं शुगर पकरिंग शुगर पकरिंग इसके बाद टॉटोमेरिज्म उसके बाद सम माइनर बेसिस इन दिए आज हमको ये तीन खत्म करने हैं एट एनी कॉस्ट ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अभी तक मैं जो बोली समझ में आया सबको कोई एक मुझे या हाँ भेज देगा तो मुझे अच्छा लगेगा नहीं तो फिर कोई डाउट है तो आप पूछिए मैं क्लियर कर दूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है डाउट पूछने से सबको तो समझ में आया अभी तक जो भी मैंने समझाया आगे बढूं मैं यस थैंक यू सुब्रा ओके okay, आगे बढ़ते हैं शुगर पकड़ी अच्छा पहले तो वर्ड पकरिंग का मतलब क्या होता है पकरिंग का मतलब होता है फोल्ड या फेस पे जो रिंकल्स मतलब फोल्ड होना एक नॉर्मल पैटर्न ना होके समझ लीजिए वो फोल्ड हो गया जैसे कि आपने एक रुमाल लिया उसको इस एंड को फोल्ड करके अंदर ले आया समझ लीजिए ऐसे हो गया इसको बोलते हैं पकरिंग ओके शुगर पकरिंग का मतलब क्या होता है तो जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे डीएनए में

ठीक है वेज का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में जब भी बायो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में जब भी किसी बॉन्ड को ऐसे कलर किया जाता है उसे वेज कहा जाता है उसका मतलब यह होता है कि वो वाला बॉन्ड रीडर की तरफ है ठीक है ये ये अगर एक पेपर पेपर पे है ये हमारा पेपर है हमारा समझ लीजिए उसके ऊपर हमारा ये हावर्थ प्रोजेक्शन या शुगर का ये वाला मॉडल है तो इसका जो डार्क रीजन है वो हमारी तरफ है ओ वाला रीजन आगे की तरफ है समझ में आया इतना समझ में आया आप लोगों को प्लस ये जो रीजन्स हैं एच ओ एच ओ ये सारा रीजन अगर ये हमारा शुगर है हावर प्रोजेक्शन का एच ओ इस तरह से पेपर के ऊपर और नीचे है ठीक है समझ में आ गया आपको प्लस ये जो सी एच टू ओ एच है ये हमारे प्लेन ऑफ पेपर में नहीं है ये प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर है हमारे प्लेन ऑफ पेपर में क्या क्या है ओ है प्लस सारे कार्बन आइटम्स हैं जो वेज है वो हमारी तरफ है एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच सी एच टू ओ एच एच तो सी एच टू ओ एच हमारे प्लेन से ऊपर है यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आया क्लियर है मैं आगे बढ़ूँ शुगर पकड़िंग क्या होता है एच ओ एच ये सब ये ये क्लियर हुआ ये क्लियर है सबको क्लियर है सबको मैं आगे बढ़ूँ प्लीज कोई आंसर कर दीजिए आगे बढ़ूँ मैं सुनाई तो दे रहा है ना आप लोगों को ठीक है तो आगे बढ़ूँ सबको अभी तक क्लियर हुआ जो भी मैंने समझाया यस थैंक यू शुभरा ओके लेट्स प्रोसीड क्या होता है जो शुगर हमारा मेरा पेन नहीं आया मेरे हाथ में जो शुगर हमारा होता है डीएनए में उसमें क्या होता है ये बात याद रखेंगे सी थ्री प्राइम एंड सी टू प्राइम ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर पढ़ना है ए बी और जेड एग्जाम में ये आता है ए बी और जेड के बीच में डिफरेंस शायद ट्वेंटी ट्वेंटी में आया था या ट्वेंटी नाइन्टीन में पक्का एक ईयर में आया था या दोनों ईयर में आया था आई एम कन्फ्यूज मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन ट्वेंटी नाइन्टीन या ट्वेंटी ट्वेंटी में आया था ए बी और जेड डी एन ए के बीच में डिफरेंसेस को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसमें शुगर पकड़िंग पूजा मैम लेक्चर वन मैम लेक्चर के फर्स्ट पेज पर क्लास नंबर डाल दीजिए क्योंकि तो मैंने स्टूडेंट्स पी शेड्यूल के काम रिकॉर्डिंग से कंप्लीट करते हैं तो कंफ्यूजन होता है ओके okay, एक्चुअली ये वाला आज है हमारा लेक्चर फोर ठीक है आ, मुझे लगता है लेक्चर थ्री नंबर नहीं दिया गया था डी स्ट्रक्चर का मैंने अभी तक शायद कितना क्लास ले लिया है ये शायद फोर्थ या फिफ्थ है मुझे डाउट लग रहा है लेकिन जो थमनेल है ना उसमें है थमनेल होगा उसमें देखिए डी स्ट्रक्चर ओके तो मैं बात करूंगी टीम से मैं सबको नंबरिंग कर दूँगी वन टू थ्री फोर नंबर करा दूंगी तो आप लोग उसमें रिकॉर्डिंग देख लेंगे ठीक है और रिकॉर्डिंग अगर देख लेंगे तो जिस दिन हम टेस्ट करेंगे उस दिन आप सभी को अवेलेबल रहना प्लीज जब टेस्ट होगा मैं दो दिन पहले ही बता दूंगी एक दिन आपको सबको अवेलेबल रहना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और मॉक टेस्ट में क्योंकि तो जिस दिन मॉक टेस्ट होगा उस दिन तो आप लोग सॉल्व करेंगे मुझे लाइव चैट में आंसर बोलेंगे मैं आंसर से ही बताऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके पढ़ाई करेंगे लर्न बाय सॉल्व बाय लर्न बाय सॉल्विंग मतलब आप लोग सीखेंगे हम सॉल्व करेंगे सीखेंगे सॉल्व करेंगे इस तरह से चलाएंगे ये दोनों क्लास आप लाइव पक्का अटेंड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ही मेरे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे कि मैं कब लाइव आने वाली हूँ बेसिकली मैं सात बजे का ही ट्राई करती हूँ डेली के लिए ठीक है पूजा ओके okay, मैं आज बात करूंगी टीम से इसको ठीक कर दूंगी ठीक है ओके थैंक यू तो आगे बढ़ते हैं तो शुगर पकरिंग में ये बात याद रखेंगे सी थ्री प्राइम एंड C2 टू प्राइम मतलब सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन का रोल यहाँ आता है क्या आता है देखिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स है ये लेनेंजर से लिया गया है ठीक हैजर से लिया गया ठीक यह है यहाँ पर देखिए ये जो थर्ड कार्बन है यहाँ पे सेकेंड कार्बन हमारा फर्स्ट कार्बन यहाँ है वन प्राइम मैं मॉक टेस्ट कब होगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब होगा ठीक है एक्चुअली फ्राइडे और सैटरडे को शायद थर्टी मिनट्स का सेशन होंगे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम पढ़ेंगे थर्टी मिनट्स के सेशन में हम पढ़ेंगे जैसे आप लोगों ने बता पूछा था मुझे प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में तो हम थर्टी मिनट्स में प्रोटीन के बेसिक्स पढ़ लेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ेंगे उसका बेसिक देन कुछ टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टॉप फाइव टफ क्वेश्चन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी देन हम पढ़ेंगे हाथोपोलॉजी ऑफ डे कुछ कुछ थर्टी मिनट्स के इंटरेस्टिंग सेशन होंगे फ्राइडे और सैटरडे को तो नेक्स्ट वीक एंड तक हम लोग मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे जब ये चैप्टर मुझे सेटिस्फाइड लगेगा कि हाँ मैंने कवर कर दिया हर एक चीज बता दिया है तब हम करेंगे नेक्स्ट वीकेंड तक हो जाएगा ठीक है ठीक है तो ना ओके okay. तो मॉक टेस्ट का भी आपको सब आएगा नोटिस तभी आएगा नोटिफिकेशन जब आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ओके okay. तो आप शुगर पकड़ेंगे क्यों पढ़ना जरूरी है क्योंकि ए बी और जेड के डीएनए में शुगर अलग अलग टाइप के होते हैं जो भी शुगर हम पढ़ रहे हैं ये इस तरह से नहीं रहता है डीएनए में इसका सी टू प्राइम और सी थ्री प्राइम थोड़ा अलग पोजीशंस लेते हैं कैसे सी टू प्राइम क्या करता है या तो प्रियंका हेलो हेलो प्रियंका ओके सी टू प्राइम और सी थ्री प्राइम क्या करता है आ, कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैं पूरा अच्छे से पहचान गई हूँ वो डेली आते हैं विजय कुना प्रियंका पूजा प्रिंसू थैंक यू आप लोग डेली आते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू ओके okay, तो कार्बन नंबर टू एंड कार्बन नंबर थ्री ये इसके पोजीशंस के ऊपर देखते हैं ध्यान देते हैं तो ये जो कार्बन नंबर फाइव है मैंने आपको बताया कि ये कार्बन नंबर फाइव प्लेन से ऊपर होता है ये प्लेन है हमारा तो उसके ऊपर है कार्बन नंबर फाइव तो अगर कार्बन नंबर टू अपने प्लेन से उठ के ऊपर चले जाए पास चले जाए कार्बन नंबर कार्बन नंबर फाइव है ये ठीक है ये मेरा शुगर है ये कार्बन नंबर फाइव है ये मेरा शुगर है ये कार्बन नंबर फाइव है और इस शुगर का बेस मेरी तरफ है मतलब समझ लीजिए मेरा ये पेन आपको अगर दिख रहा है तो ये ओ है और पेन का बेस यहाँ है ऐसा शुगर है ठीक है अगर ये कार्बन नंबर फाइव है शुगर का ठीक है अगर ये शुगर का सी टू प्राइम कार्बन नंबर टू प्राइम अपने पोजीशन से उठ के ऊपर चले जाए इसके पास चले जाए तब तो उसको बोलेंगे सी टू डैश एंडो और अगर वही बाहर चलाए तो उसको बोलेंगे C2- टू डैश एग्जो यहाँ पर देखिए C2- टू डैश कार्बन ये है ठीक है ये देखिए ये अपने प्लेन से ये उसका प्लेन था ये उसका प्लेन था सॉरी ये उसका प्लेन था है ना ओके सॉरी सॉरी देखिए ये उसका प्लेन है ऐसा है नॉर्मल में सी टू डैश इस तरह से ये है है सी टू डैश ठीक है अगर ये उठ के ऊपर चला गया नहीं एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए ये एंडो है ये एक्सो है ये एक्चुअल पेन है ओके ये है सी टू डैश का एक्चुअल पोजिशन ये रेड वाला ठीक है ये रेड वाला है ये सी टू डैश है ये वन है ये टू है और ये थ्री है ये फोर है ठीक है अगर ये सी टू डैश उठ के इसके पास चला जाए यहाँ पे तो वो एंडो होगा दूर चला जाए तो वो एक्सो होगा ठीक है एक सेकेंड मैं देख लूँ एक बार ये क्या हो रहा है एक सेकेंड एक सेकेंड थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे एक सेकेंड तो शुगर पकरिंग में खाली सी टू प्राइम एंड सी थ्री प्राइम का पोजिशन बदलता है ठीक है तो सी टू प्राइम और सी थ्री प्राइम का जो पोजिशन बदलता है वो होता है ये देखिए ये एक्चुअल पोजिशन है ठीक है सी टू प्राइम की ओके ओके okay, uh, और मैम पैराग्राफ क्या बोल रहे हैं यस yes, मैम ये बता दीजिए कि किस बुक के किस पेज से है प्लीज मैम और मैम पैराग्राफ भी ओके पूजा ओके प्रियंका सी टू एंड सी थ्री इन एंड आउटसाइड जाता है इज इज शुगर पकरिंग यस यही शुगर पकरिंग है मैंने पकरिंग के बारे में आपको क्या बताया प्यो फोल्ड पकरिंग का मतलब है फोल्ड होना जैसे कि आपने एक पेज लिया है उसका ये वाला एंड को फोल्ड करके अंदर ले आए तो ये कैसा दिखेगा आप इस तरह से कुछ दिखेगा ना दिस इज़ पकरिंग फोल्ड हो जाना अपने नेचुरल पोजिशन से फोल्ड हो जाना शुगर नेचुरली ऐसा है है ना उसका ये वाला एरिया हमारी तरफ है अच्छा बेटा प्रियंका ये लेनिंजर से लिया गया है ठीक है ये लेनिंजर का पेज नंबर में लास्ट क्लास के लास्ट last... में अच्छा ठीक है आपसे नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगी पेज नंबर भी डाल दूंगी ओके okay. ये मैं अगले बार से ध्यान रखूंगी कि पेज नंबर एंड बुक का नंबर हर स्लाइड में ऊपर रहेगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा ये लेनिंजर के पेज स्टार्टिंग में ही लिया है स्टार्टिंग के दो या तीन पेज के बाद ये वाला डायग्राम है शुगर के बारे में, में कुछ नहीं दिया है लेनिंजर में सिर्फ डायग्राम दिया है और थोड़ा सा बस ए बी और जेड में है। क्या है? शुगर का कैसा पोजिशन है वो देखा गया तो हम देखते हैं शुगर क्या है आसपास में चले जाते हैं C5 फाइव फाइव के कंपेरिजन में सी टू और सी थ्री को देखा जाता है अगर सी फाइव के कम पास अगर चला गया सी तो उसे कहा जाता है सी एंडो सी टू डैश एंडो अगर सी फाइव से दूर चला जाता है तो उसे कहा जाता है सी थ्री सॉरी सी टू ठीक है अगर यही थर्ड कार्बन सी फाइव के पास चला जाता है तो उसे कहा जाता है सी थ्री डैश इंडो अगर उसे दूर चला जाता है तो उसे कहा जाता है सी थ्री डैश एक्सो आया समझ में आप लोगों को मैम हाँ मैम ये डायग्राम देखें लेनिजम में ये सी लेजम जम है ठीक है आपको कैसे याद समझना है ये देखिए ये शुगर है ये शुगर है ठीक है शुगर का ये फिफ्थ कार्बन है ठीक है ये फिफ्थ कार्बन ये प्लेन के बाहर है यहाँ पे सी एच टूच ये शुगर है अगर ये शुगर का सी टू प्राइम अंदर की ऊपर की तरफ चला गया इसके पास चला गया सी टू डैश एंडो नहीं बाहर आ गया सी टू डैश एक् थ्री इसके पास चला गया सी थ्री डैश एक्जो सॉरी एंडो बाहर चला गया सी टू डैश एक् बस सिंपल है ये तो ठीक है सी टू का ये सी टू डैश का ये ओरिजिनल पोजिशन है ये अगर देखिए ये अगर यहाँ आ गया इसके पास है दैट इज सी टू डैश इंडो ये यहां आ गया सी टू डैश एक्सो वैसे यहां पर देखिए ये हमारा सी थ्री ये हमारा सी थ्री यहां पे, ये यह हमारा सी टू यहाँ पे ये सी थ्री का ओरिजिनल पोजिशन है ठीक है ये जब अगर फाइव के पास है देखो यानी ऊपर चला गया उसके पास चला गया ऊपर चला गया प्लेन में अब नहीं है उसके ऊपर चला गया पास चला गया ऊपर चला गया डैश एंडो बाहर आ गया सी टू डैश एक्सो सी थ्री डैश एक्सो भानु प्रताप यस हेलो समझ में आया आप लोगों को समझ में आया शुगर पकड़ी क्या है क्या सी फ्राइव प्राइम प्लेन से बाहर है अगर सी टू डैश ये भी बाहर चला गया तो वो हो जाएगा मतलब सी फ्राइव के पास चला गया तो हो गया सी टू डैश एंडो और अगर वो बाहर आ गया तो वो हो जाएगा सी थ्री डैश सी टू डैश एक्ो है ना अगर यही सी थ्री करेगा सी थ्री अगर प्लेन से बाहर चला गया सी फाइव के पास तो वो हो गया एंडो अगर वो अपने प्लेन से बाहर दूर चला गया सी फाइव से दूर चला गया तो वो हो गया सी थ्री एक्सो रियल में डी एन ए में इस तरह से ही शुगर होता है ऐसा शुगर नहीं होता है वो पकड़ फॉर्म में ही होता है ठीक है इसे क्या होता है स्टेबिलिटी बढ़ती है डी एन ए की तो इस शुगर की स्टेबिलिटी यह सबकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो है क्या हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ डीएनए है मैंने बताया था ए बी एंड जेड हमें ये याद रखना है कि कौन सा क्या है हमेशा याद रखेंगे हमेशा याद रखेंगे एंडो कंडीशन हमेशा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एक्सो और हमारा बी डी एन ए में बी डी एन ए क्या है नेचुरल हमारा डीएनए हमारी बॉडी में जो डीएनए बी डी एन ए इसमें सी टू डैश एंडो है ठीक है इसके पास सी थ्री डैश एंडो है ये याद रखना जरूरी है कि ए बी जेड में कैसा शुगर है ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ठीक है आ, okay. समझ में आया प्रियंका यू हैव ओके समझ में आया लेनिंजर तो बेटा सबके पास होना चाहिए हार्ड कॉपी आप खरीद सकते हैं पेपर बैक मिलता है एडिशन मिलता है एटीन हंड्रेड के आसपास में मिल जाएगा नहीं तो आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं तो अगर टेलीग्राम चैनल में मैं जैसे ऐड हो जाऊंगी जब हम टेलीग्राम चैनल में एक साथ रहेंगे ग्रुप के फॉर्म में तब मैं लेनिंजर को बुक के शेयर कर दूंगी अच्छा आप लोग को ये समझ में आया शुगर पकड़ी एक बात हम सब दे दीजिए समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी समझ में आया आप लोग को आया समझ में आप लोग को ये चीज अगर सी फाइव के पास चला गया सी टू एंडो दूर चला गया एक्सो सी फाइव के पास सी थ्री अगर पास चला गया तो सी थ्री तो सॉरी सी थ्री एंडो नहीं तो सिक्स एक्सो बस इतना ही तो है ठीक है समझ में आ गया मैं सेंड कर सकती हूँ यस मैम ओके थैंक यू बस यही है शुगर पकड़ी तो पकरिंग वर्ड का मीनिंग आपको याद रखना है कि पकरिंग का मतलब होता है फोल्ड होना तो शुगर जो होता है वो नेचुरली सी टू डैश एंडो बी में होता है आपको यही याद रखना है कि ए बी और जेड में शुगर का कौन सा पकड़ फॉर्म है ये हम पढ़ेंगे जब सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तब ए बी और जेड का डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है टोटोमेरिज्म पहला टॉपिक आज का खत्म हो गया शुगर पकड़ी अब आता है टोटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है और ये भी ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जैसे कि विजय ने बोला था उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है तो अगर आप ये समझ लेंगे तो डीएनए रिपेयर जब हम पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा ठीक है टोटोमेरिज्म मतलब क्या होता है कभी कभी क्या होता है नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो अपने नेचुरल फॉर्म से बदल जाते हैं मतलब क्या है जैसे यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एक्सेप्टर और डोनर समझना टोटोम टोटोमेरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए ये साइटोसिन है ठीक है साइटोसिन का ये वाला रीजन डोनर है क्योंकि मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड में ए और बी में अगर ए मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन है तो जिसके पास भी हाइड्रोजन होगा दो तो मॉलिक्यूल के बीच में वो होगा डोनर हाइड्रोजन बॉन्ड का और जिस जिस भी मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन नहीं होगा लोन पेयर होंगे वो होगा एक्सेप्टर तो देखिए ये हाइड्रोजन है यहाँ पर तो ये डोनर इसलिए रेड लिखा हुआ है देखिए ये तो ये डायग्राम दिया लिया गया है डायरेक्ट ये डायग्राम डायरेक्ट लिया गया है वाटसन से ठीक है ये वॉटसन से लिया गया है तो देखिए ये वाला हमारा डोनर है देखिए ये एक्सेप्टर है ये भी एक्सेप्टर है क्योंकि हाइड्रोजन जहां होगा वही डोनर होगा जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा वो होगा एक्सेप्टर लोन पेयर होना जरूरी है लोन पेयर तो है ना नाइट्रोजन के ऊपर तो ये एक्सेप्टर ये भी एक्सेप्टर ये डोनर ठीक है ओके मैम आपके क्लास कल नहीं हुआ बानू हाँ बेटा कल क्लास नहीं हो पाया क्योंकि मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ उड़ीसा में और यहाँ पे साइक्लोन आया था ना तो डाउट था मुझे कि इलेक्ट्रिसिटी रहेगी या नहीं इसलिए कल क्लास नहीं रखी आज रखी ठीक है ओके मैम कार्बन की नंबरिंग कैसे करते हैं ओके okay, बेटा कार्बन की नंबरिंग मैंने बताया था शुगर में जो भी कार्बन होते हैं उन्हें प्राइम यूज़ करते हैं नाइट्रोजेनियस बेसिस में सिंपल यूज़ कर देते हैं जैसे कि मैंने अगर समझ लो सी वन बोला कार्बन नंबर वन तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं नाइट्रोजनियस बेस के कार्बन की बात कर रही हूँ अगर मैंने सी वन प्राइम बोला मतलब आपको समझ जाना चाहिए मैं शुगर की बात कर रही हूँ और शुगर में ये ऑक्सीजन के पास ये वाला कार्बन हमेशा कार्बन नंबर वन होता है राइबोज में और ग्लूकोज में फ्रुक्टोज में नहीं तो ये हमारा वन प्राइम है ये टू प्राइम है ये थ्री प्राइम है ये फोर प्राइम है ये वाला फाइव प्राइम और नाइट्रोजीनियस बेसिस का तो मैं सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी जो भी प्यूरस होते हैं उसका यहाँ से नंबर शुरू होता है और जो पायरी होते हैं उसका नंबरिंग यहाँ से शुरू होता है और दोनों का एंटी क्लॉक चलता है मतलब अगर ये वन है तो ये टू होगा ये थ्री होगा यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वन है तो ये टू होगा ये थ्री होगा ये फोर होगा ये फाइव होगा ये सिक्स होगा इस तरह से नंबरिंग होता है ठीक है ठीक है प्रियंका ठीक है तो कार्बन की नंबरिंग ओके okay, आप लोग यहाँ पे समझ गए हैं डोनर एक्सेप्टर देखिए साइटोसिन में देखिए ये देखिए ये एक्सेप्टर है ये देखिए डोनर है ये एक्सेप्टर है ये एक्सेप्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है यहाँ हाइड्रोजन है तो ये डोनर है यहाँ हाइड्रोजन है तो ये डोनर है हाइड्रोजन है तो डोनर है यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन है हाइड्रोजन नहीं है तो ये एक्सेप्टर है तो एक्सेप्टर बनने के लिए या तो ओ होना जरूरी है एन होना जरूरी है एफ होना ज़रूरी है और उसके पास एच ऐसा अभी बोल नहीं सकते लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा लोन पैरो इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ तक आप समझ में आए मैम पायरेमिडिन का एक बार फिर से आ, क्या बेटा पायरे का क्या कौन सा पायरे का नंबरिंग सीखना है आपको प्रियंका पायरेमिडिन का नंबरिंग सीखना है क्या देखिए प्यूरस का प्योरस का देखिए ये प्यूरिन है एक ये प्यूरिन है और ये एक पायरेमिडिन है ठीक है प्यूरिन का हमेशा इस नाइट्रोजन से अपर हैंड अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट होता है ये वन होता है यही अगर ये वाला यहाँ ड्रॉ हो जाएगा तो फिर ये नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा तो फिर ये ऐसा दिखेगा ये नाइट्रोजन फिर यहाँ से नंबरिंग होगी ठीक है ये इसको वन तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वैसे यहाँ पर यहाँ बेस से स्टार्ट होता है ये वन होता है एंटी क्लॉकवाइज ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स इस तरह से प्योरिन पैरिमिडिन होता है प्रियंका ठीक है मैंने सिखाया था ये वाला देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए मैंने सिखाया था पैरामिडिन का नंबर ये देखिए यहाँ बेस से होता है और ये इस तरह से जाता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है इस तरफ से उसी तरह से देखिए ये प्यूरिन है यहाँ से तो ये फिर ऐसे नंबरिंग किया जाता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो ठीक है हो गया क्लियर हो गया आप लोगों को आगे बढ़ते हैं टाटो में आगे बढ़ते हैं ओके okay, टाटो आ गया हमारा हाँ ये एक्चुअली गलत हो गया मेरे से ये वन होगा ये टू होगा ऐसा मैंने क्लॉकवाइज कर दिया था मैं बोल रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज लेकिन ड्रॉ कर दी क्लॉकवाइज ये वन है तो ऐसा होगा एंटीग्लॉपाइज ये टू होगा उसी तरह से यहाँ पे अगर ये नंबर वन है तो ऐसे होगा एंटी एंटीग्लॉपाइज ठीक है तो तो आप डोनर एक्सेप्टर समझ गए हैं ना पूरा क्लियरली मैं चाहती हूँ ये आप इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रखें हाइड्रोजन बॉन्ड में ठीक है तो देखिए टोटोमेरिज्म में क्या होता है टोटोमेरिज्म में क्या होता है दो तरह के टोटोमेरिज्म पहली बात तो टोटोमेरिज्म क्या है टोटोमेरिज्म इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब जहाँ पे केमिकल फार्मूला सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा जैसे कि साइटोसिन देखिए साइटोसिन ये एक फॉर्म में है ये दूसरा फॉर्म में ये दोनों साइटोसिन के टॉटोमर्स हैं ये दोनों आइसोमर्स हैं इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम है क्योंकि जितने एटम्स यहाँ हैं उतने ही यहाँ पे भी हैं ऐसा नहीं कि इसके पर चार नाइट्रोजन है तो इसमें तीन ही नाइट्रोजन है यहाँ पे अगर दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे चार है ऐसा कुछ नहीं है नंबर ऑफ एटम्स दोनों में सेम है मतलब दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है या स्ट्रक्चर अलग है दोनों का क्या मतलब है इसका इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म तो टॉटोमेरिज्म इज टाइप ऑफ ठीक है और tautomyrism में tautomyrism में बेसिकली क्या होता है हाइड्रोजन एटम जो होता है या प्रोटॉन जो होता है उसका एक्सचेंज होता है बिटवीन आइटम्स तो देखिए यहां पर ये यह साइटोसिन में यहां पर कितने हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन है ये एक्सचेंज हो जाएंगे देखिए ये हट जाएंगे यहां से देखिए यहां से ये यह वाला जो है ये क्योंकि डोनर आक, है ये चला जाएगा पर देखो ये एन एच एच था एन एच टू था अब ये क्या हो गया एन एच हो गया तो जब एन एच टू था इसको कहा जाता था अमीनो फॉर्म ऑफ साइटोसिन अब ये सिर्फ एन एच हो गया इसको कहा जाता है इमीनो फॉर्म ऑफ साइटोसिन दिस इज अवर अमीनो इमीनो टोटोमेरिज्म अमीनो इमीनो टोटोमेरिज्म केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कुछ है मैं बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे खाली बोल बोल रही हूँ कि टोटोमेरिज्म जो होता है दैट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का दिखा के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ हाइड्रोजन आइटम जो होता है वो एक्सचेंज होता है यहाँ पे था यहाँ पे नहीं है बस यही है डिफरेंस तो यहाँ पे था यहाँ पे नहीं है इसको बोला जाता है अमीनो इमिनो टोटोमेरिज्म अमीनो हो गया एनएच जिसके पास हो इमिनो हो गया जिसके पास एन है ठीक है तो जो साइटोसिन है यहां पर देखिए अमीनो फॉर्म में था अब ये इमिनो फॉर्म में वैसे ही देखिए एक और टाइप का टोटोमेरिज्म होता है जिसको बोलते हैं कीटो इनोल कीटो इनॉल देखिए यहां पर ये देखिए ये एक्सेप्टर है ये डोनर है ये डोनर है कीटो इनॉल में क्या होता है कार्बोनिल कार्बन है ना ये सी डबल बॉन्डो एक कार्बोनिल कार्बन है मैंने किसी ने पूछा था पहली क्लास में कार्बोनिल कार्बन का मतलब क्या होता है कार्बोनिल कार्बन का मतलब होता है कि जो कार्बन के साथ में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो देखो ये कार्बोनिल कार्बन है लेकिन जब कार्बोनिल कार्बन के फॉर्म में है उसे कहा जाता है कीटो और मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता है देखिए इसके पास हाइड्रोजन आ गया है यहाँ पे अब ये कार्बोनिल कार्बन नहीं रहा यहाँ पे ओ एच आ गया उसको कहा जाता है इनोल फॉर्म ग्वानिन अपने कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है साइटोसिन अपने अमीनो फॉर्म से इमिनो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है डिपेंड करता है कि पीएच कितना है और पीएच सेवन पे ऐसा सिचुएशन था साइटोसिन अपने फॉर्म से फॉर्म को कन्वर्ट हो गया और यू ग्वानिन कीटो से इनोल्व तो विजय ने स्टार्टिंग में बोला था कि डीएनए रिपेयर के रिलेशन में है हाँ डीएनए रिपेयर के रिलेशन में है क्योंकि कई बार क्या होता है डीएनए में टोटोमेरिज्म है कोई सा नाइट्रोजीनियस बेस अपने कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या अमीनो फॉर्म से इमिनो फॉर्म में इसको बोलते हैं डीएनए का जो एरर होना इसको रिपेयर किया जाता है ठीक है तो टोटोमेरिज्म एक टाइप का एरर भी है डीएनए में ठीक है तो यहाँ पे देखो एडेनाइन एंड साइटोसिन का मतलब हो गया, मतलब गया इनॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस स्लाइड को ठीक है और जो टॉटोमर्स होते हैं बताऊंगी टॉटोमर्स जो होते हैं दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम देखिए ये वाला सिंपल से पता चलता है कि एट सेवन पी एच सेवन ये दोनों इक्विलिब्रियम में है मतलब ये दोनों ही के बनने ये दोनों के बनने के चांसेस हैं लेकिन देखिए ये जो इक्विलिब्रियम का सिंबल है वो इस तरफ ज्यादा है मतलब क्या है कि अमीनो फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इमिनो फॉर्म तो नेचुरली साइटोसिन अमीनो फॉर्म में रहता है लेकिन पीएच के डिस्टर्बेंस की वजह से वो इमिनो बन सकता है वैसे ही कीटो फॉर्म में रहता है ग्वानिन लेकिन पीएच के डिस्टर्बेंस की वजह से वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और इस रिएक्शन को इसको कहा जाता है टोटोमेरिज्म कीटो इज मोर स्टेबल इन देन इनॉल एंड कीटो इनॉल दे आर इन इक्विलिब्रियम बट द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द कीटो फॉर्म। सिमिलरली साइटोसिन कैन एग्जिस्ट इन अमीनो और इमिनो फॉर्म एंड दे बोथ आर इक्वलिब्रियम इन इक्वलिब्रियम बट द इक्वलिब्रियम इज शिफ्टेड मोर टूअर्ड्स द अमिनो फार्म ऑफ साइटोसिन अमिनो फॉर्म ऑफ साइटोसिन इज मोर स्टेबल कीटोफार्म इज मोर स्टेबल तो जो हमारे नाइट्रोजेनियस बेसिस हैं नेचुरली वो अपने स्टेबल फॉर्म में रहते हैं लेकिन किसी पीएच uh, के चेंजेस की वजह से वो अपने टोटोमर्स में भी बदल सकते हैं तो अमीनो फॉर्म ऑफ साइटोसिन कैन बी कन्वर्टेड टू द टोटोमर इमो फॉर्म सिमिलरली ग्वानिन कैन बी कन्वर्टेड टू इनॉल फॉर्म तो हमारा ये वाला जो स्लाइड है कि एडेनाइन और साइटोसिन ज्यादातर अमीनो इम्यूनो टॉटोमरिज्म करते हैं मतलब उनका एनएच टू जो होता है एन एच एच ये हो गया ये हो गया कीटो फॉर्म ये कन्वर्ट हो जाता है एन एच में इन फॉर्म ठीक है वैसे जी टी एंड यू जो है ग्वानिन और यूरासिल वो लैक्टम से लैक्टिम या कीटोइनोल लैक्टम कीटोइनोल का दूसरा नाम है लैक्टम या लैक्टिम ठीक है मतलब क्या है वो सी डबल बॉन्ड ओ इसको बोलते हैं फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इन सी ओ एच इसको बोलते हैं इनोल्व फॉर्म हो गया क्लियर हो गया आप लोगों को देन अमीनो एंड तो फिर और दोनों में स्टेबल कौन सा है ये ज्यादा स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है और टॉटोमेरिज्म जो है वो रेजोनेंस से अलग होता है रेजोनेंस में क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो कंटिन्यूसली वो स्टेबल किसी के पास नहीं है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है उसकी वजह से रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं जैसे कि बेंजीन समझ लीजिए ये है तो बेंजीन का ये है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी ऐसा दिख रहा है थोड़ी देर बाद वो ऐसा दिखेगा ये हो गया रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स ये रेजोनेंस के दो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे पाई ये ये वाला बॉन्ड हो गया ना पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो होता है पाई बॉन्ड ये जो बॉन्ड है ये हमेशा ये जो पाई बॉन्ड का जो क्लाउड है बॉन्ड क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है तो बोल सकते हैं पाई बॉन्ड का क्लाउड जो है वो कंटिन्यूसली रोटेशन में मूवमेंट में है तो ये रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स इस वजह से डेवलप करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा बेंजीन में इस तरह से बना देते हैं मतलब कि पाई बॉन्ड का जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कंटिन्यूसली मोशन में मूव कर रहा है तो ये रेजोनेंस है लेकिन दिस इज डिफरेंस फ्रॉम टोटोमर्स ठीक है टोटोमरिज्म में हाइड्रोजन आइटम का जो है जो प्रोटॉन से उसका एक्सचेंज हो जाता है कीटोइनॉल एंड अमिनो इमिनो ठीक है तो अमीनो इमिनो एंड कीटोइनॉल सॉरी ये कीटो हाँ ये हो गया हमारा अमिनो इनॉल हो गया ये आ, वैसे कीटो है ये इनॉल है ये कीटो अमिनो इमिनो ये इमिनो है सॉरी

ये लैक्टम लैक्टिंग वाला ये का है ठीक है मैं पेज नंबर से लिख ठीक है तो देखिए यहाँ पे मैं सारे पॉइंट्स बता देती हूं, आ, आ, इन दो alternative tautomers में से किसी एक में रहते हैं दोनों इक्विलिब्रियम में है मतलब दोनों बन सकते हैं लेकिन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स द मोर स्टेबल फॉर्म तो कीटो ज्यादा स्टेबल है वैसे ही अमीनो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है और कीटो वही कर सकता है ना जिसके पास एन होगा तो ये नाइट्रोजीनियस बेसिस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है अगर उनके पास एनएच टू है तो वो कीटो इनॉल्व करेंगे उनके पास अगर सी डबल बॉन्ड है तो वो सॉरी मैं उल्टा बोल दे रही आई आई एम एम सॉरी सॉरी जिसके एनएच टू होगा वो अमीनो इमिनो फॉर्म करेगा टोटोमेरिज्म जिसके पास सी डबल बॉन्ड होगा वो करेगा कीटो इनोल्व तो वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है नाइट्रोजीनियस बेसिस के एंड पीएच पे डिपेंड करता है तो पीएच के ऊपर डिपेंड करता है कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा ठीक है ये वाली बात आप लोग याद इसको स्क्रीन कर लीजिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्लियर कर देती हूँ आप इसको स्क्रीन कर लीजिए ए एंड सी देर गो अमीनो और इमिनो टोटोमेरिज्म एंड जी टी यू अंडर गो कीटो एंड इनोल टोटोमेरिज्म ठीक है लैक्टम का मीनिंग आप देखते हैं ओके okay, देखिए यहाँ पर यूरासिल का यहाँ पे दिखाया गया है तो हमारा यूरासिल जो है वो देखिए लैक्टम फॉर्म में है इसको लैक्टम फॉर्म लैक्टम का दूसरा नाम क्या है कीटो ये लैक्टम फॉर्म में है देखिए ये जो लैक्टम फॉर्म है इसमें इसके पास आ गया इस पोजिशन में ना? है ना ये नंबर वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है फोर्थ पोजिशन में देखिए ओ आ गया तो ये कीटो से इनॉल्व हो गया है कि नहीं तो लैक्टम फॉर्म में था प्रेजेंट पहले यूरासिन अब वो हो गया लैक्टिन फॉर्म में और ये इसको बोलते हैं डबल लैक्टिम यहाँ पे देखिए ये वाला कीटो खाली कन्वर्ट हुआ था तो लैक्टिम था अब ये वाला देखिए ये वाला कीटो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया में तो ये हो गया डबल लैक्टिम यूरासिल ये वाली स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूरासिल थामिन और ग्वानी लैक्टम लैक्टिम करते हैं खास करके लैक्टम फॉर्म में है जो लैक्टिम बनाता है और डबल लैक्टिन बना सकता है है ना डिपेंडिंग अपॉन दी एच एम आई क्लियर यहाँ तक सबको क्लियर हुआ लैक्टम इज द अनदर नेम फॉर कीटो। एंड दिस ऑल थिंग्स आर सबको क्लियर हो गया आंसर कर दीजिए एक बार अगर कुछ डाउट है तो बोल दीजिए नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे आज के यहाँ तक सबको क्लियर हो गया सबको क्लियर हो गया यहाँ तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ बताइए यहां तक सबको क्लियर हो गया कीटोइनॉल, लैक्टम लैक्टिम और अमिनो इमिनो दीज ऑल थिंग्स डिपेंड अपॉन द पीएच एंड अगर डीएनए में नेटिव स्ट्रक्चर है मतलब उसका डीएनए अगर पीएच अगर ठीक है पीएच सेवन है अगर तो सब ठीक है अगर पीएच बदलेगा तो ये खराब बदल जाएगा जिसके जिसको ठीक करना होगा डीएनए रिपेयर में ओके थैंक यू थैंक यू प्रियंका एंड प्रिंसू अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है तो हमारा आज खत्म हुआ शुगर पकरिंग एंड ऑटोमिज्म ठीक है अब आते हैं सम माइनर बेसिस इन डीएनए एंड आरएनए ये लेनिंजर से, से पढ़ा रही हूँ मैं ये लेनिंजर से पढ़ा रही हूँ और इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ डीएनए स्ट्रक्चर में नहीं है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत सारी जगहों पे आ जाती है ट्रांसक्रिप्शन में आ जाएगी इसकी इंपॉर्टेंस डी के स्ट्रक्चर में इसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी देन प्रो कैरियोटिक के रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम मतलब कि प्रो बायोटेक्नोलॉजी में भी इसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगहों पर क्लियर हो जाएगा जैसे आप अगर आज टाटोमेरिज्म पढ़ लिए मैम पैराग्राफ भी वहीं से है ओके uh, okay, मैं देख के बता देती हूँ एक सेकेंड नहीं बेटा ये सब मैंने ढूंढा uh, है ये तो ये मेरा ढूंढा हुआ है ये पर, ये वाला मेरा ढूंढा हुआ है ठीक है और ये वाले यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने ऐड किए हैं और ये वाली चीज़ें जो हैं ये वाटसन से हैं ये ये वाला मैंने ऐड किया है ठीक है यहाँ से वाटसन से यहाँ से लेके यहाँ तक वॉटसन से हम्म ये वाला मैंने खुद बनाया है ये वाला वाटसन से है ये वाला लेनिंजर से है और ये माइनर बेसिस कंप्लीटली लेनेजर्स है इसके बारे में व्हाट्सअप में कुछ भी नहीं दिया हुआ है ठीक है ठीक है प्रियंका ओके आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको क्या बोला माइनर बेसिस इन डी एंड आर ये अगर आप अभी समझ गए तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं आएगा लेकिन ये चीजें फिर आपको ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेंगी टी आर एन ए के स्ट्रक्चर में हेल्प करने वाली हैं देन बायोटेक्नोलॉजी का एक दो कॉन्सेप्ट है वहाँ हेल्प करने वाली हैं जैसे टोटोमेरिज्म आप यहाँ पढ़ लिए टॉटोमेरिज्म आपने पढ़ लिया तो आपको यहाँ पे देखिए द कैपेसिटी टू फॉर्म का है मेरा पेन हाँ ये वाला पॉइंट देखिए द कैपेसिटी टू फॉर्म एन अल्टरनेटिव टॉटोमर इज ए फ्रिक्वेंट सोर्स ऑफ एरर ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस अगर डीएनए सिंथेसिस के टाइम में आ, कीटो से इनॉल हो गया कोई तो वहीं पे एरर आ जाएगा तो अगर कल को आप डीएनए रिपेयर पढ़ेंगे और वहां पे बोला जाएगा कि साइटोसिन का साइटोसिन का अमीनो फॉर्म की जगह पे इमिनो फॉर्म है अगर आप जानेंगे ही नहीं कि अमीनो इमिनो क्या होता है टोटोमेरिज्म क्या होता है तो डीएनए एरर रिपेयर कैसे पढ़ेंगे तो डीएनए स्ट्रक्चर इज द बेसिक ऑफ एवरीथिंग फॉर लाइफ साइंस इसीलिए ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होके आगे बढ़ना है ठीक है समझ गए तो अब ये माइनर बेसिस इन डी एंड आर इसका यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है प्लस मैं आपको बता चुकी हूँ अभी

नॉर्मल प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के अलावा भी कुछ मॉडिफाइड प्यूरिन्स या पिरिमिडिन्स होते हैं मॉडिफाइड प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स का मतलब क्या है कभी कभी डीएनए अपने इस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मॉडिफाइड अपने बेसिस को मॉडिफाई कर लेता है मतलब डीएनए का जो काम है मतलब डीएनए एन हर एक पॉइंट पे अपने काम को और बेटर करने के लिए क्या हो जाता है वो अपने बेसिस जो प्यूरिंस एंड पिरीमिडिंग्स है उसके अलावा उनका मॉडिफाइड फॉर्म यूज़ कर लेता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह से पीएच चेंज होने से कीटो इनॉल और अमीनो इमिनो हो रहा था ये प्रॉब्लम थी ये एरर था है ना यहाँ ये एरर नहीं है यहाँ पे ये हेल्पफुल होता है तो डीएनए ऐसा जानबूझ के करता है या एंजाइम्स हमारे सेल ऐसा जानबूझ के करते हैं

यहां तक सबको समझ में आया माइनर बेसिस मेजर बेसिस टॉटोमेरिजम शुगर पकड़िंग क्लियर हुआ आप लोगों को क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीजें तो फिर अब मैं आगे बताऊंगी कि वो मॉडिफाइड बेसिस क्या है कौन करता है और उसकी जरूरत क्या है और कहाँ कहाँ होता है ठीक है एक बार रिप्लाई कर दीजिए तो हम आगे बढ़ जाएंगे एक बार रिप्लाई कर दीजिए तब तक मैं पानी पी लेती हूँ एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि सब ठीक है ओके थैंक यू थैंक यू प्रिंसू एंड प्रियंका थैंक यू ओके लेट्स प्रोसीड ओके लेट्स प्रोसीड चलिए एंड ओकेमिड के माइनर बेसिस का मतलब क्या होता है देखिए यहां पर डायग्राम्स में देखते हैं ठीक है देखिए ये नॉर्मल साइटोसिन है, ठीक है इसके स्ट्रक्चर को बार बार देख लीजिए नंबरिंग कहां से करेंगे यहां से करेंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है और ये देखिए यही पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देखिए ये वाला दो दो बॉन्ड है ना तो एक को पाई बॉन्ड कहते हैं पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं उसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन और ये जो होता है ये स्टेबिलाईज नहीं होता ये मूव कर रहा है यहाँ से ये मूव करेगा हर जगह पे रेजोनेंस जिस तरह से होता है इसी को बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसी मूवमेंट की वजह से ये साइटोसिन हो सकता है ग्वानिन के साथ में इंटरेक्शन बनाए जो मैंने वीडियो में आगे इस क्लास में आगे बताया था स्टार्टिंग में बताया था ओके लेट्स प्रोसीड छोड़िए अभी ये बात तो ये साइटोसिन है देखिए नॉर्मल साइटोसिन है ठीक है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या लग रहा है कोई बता सकता है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ये वाला साइटोसिन है और ये है फाइव मिथाइल साइटिडाइन है ना सबसे पहले तो साइटीडाइन का मतलब क्या होता है ये मैंने बताया था कि साइटोसिन होता है जब नाइट्रोजेनियस बेस अकेला होता है है ना साइटीडाइन तब बोला जाता है जब नाइट्रोजेनियस बेस ये नाइट्रोजेनियस बेस है शुगर प्लस बेस होता है तब साइटीडाइन होता है फिर साइटीडाइलेट तब कहलाता है जब शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट होता है ये चीजें मैंने आपको बताई थी सारा बताया है मैंने जैसे कि एडेनाइन जब एडेनाइन अकेला होता है एडिनोसाइन जब एडेनाइन शुगर के साथ मिल जाता है उसके बाद एडिनाइलेट जब शुगर नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेट एक दूसरे से मिल जाते हैं इस तरह से सबके नाम बदलते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है तो यहां देखिए ये जो फाइव मिथाइल साइटिडाइन है और साइटोसिन में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है स्ट्रक्चर में कोई बता सकता है मुझे कोई बता सकता है साइटोसिन एंड फाइव मिथाइल साइटिडाइन में डिफरेंस क्या है कोई बता सकता है मुझे कोई बोल सकता है कि फाइव मिथाइल साइटोसिन और साइटिडाइन में क्या आपको क्या लग रहा है डिफरेंस क्या लग रहा है क्या डिफरेंस लग रहा है आपको बोलिए क्या डिफरेंस लग रहा है आपको बोलिए क्या डिफरेंस लग रहा है आपको सिंपल नाम से तो पता चल रहा है ना कि फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल ऐड हो गया है बस यही तो है यहां पे फिफ्थ पोजीशन में सीएच है कुछ नहीं है यहां पे फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल ऐड हो गया है साइटोसिन एंड फाइव मिथाइल साइटिडाइन में यही डिफरेंस है साइटोसिन जो है दैट इज अवर मेजर बेस ठीक है फाइव मिथाइल मिथाइसाइटोसिडीन इज अवर माइनर बेस डीएनए में फाइव मिथाइल साइटिडिन भी प्रेजेंट होता है साइटोसिन के अलावा ठीक है तो साइटिडिन फाइव मिथाइल साइटिडिन भी प्रेजेंट होगा साइटोसिन के अलावा किन केस में यूकैरियोट्स के केस में ठीक है एनिमल्स के केस में प्लांट्स के केस में ठीक है यहाँ देखते हैं ये हमारा नॉर्मल एडेनाइन है ये क्या है एन सिक्स मिथाइल एडिनोसाइन मतलब क्या है सिक्स पोजीशन का जो नाइट्रोजन है उसमें मिथाइल एड हो गया है देखिए यहाँ पे सिक्स पोजीशन का जो अमोनिया है उसके साथ मिथाइल नहीं है लेकिन यहाँ पे यहाँ पे मिथाइल एड हो गया है ये नॉर्मल एडेनाइन है दिस इज मेजर बेस एंड दिस इज अवर माइनर बेस ठीक है This is this minor base is found in case of bacteria. 5-methyladenosine, which is the minor base or modified form of adenine, is found in case of bacteria. Whereas cytosine, which is a major base, and 5-methylcytidine is minor base found in case of eukaryotes, and 5-methylcytidine. फिफ्थ पोजीशन में सॉरी फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल ऐड होता है और यहाँ पे सिक्स पोजीशन में मिथाइल ऐड होता है ये भी बात याद रखना है कि फिफ्थ पोजीशन में सिक्स पोजीशन में साइटोसिन का मॉडिफाइड फॉर्म है या एडीनाइन का मॉडिफाइड फॉर्म है उसके बाद में कहा प्रेजेंट होता है ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला डायग्राम लेनेंजर से लिया गया है फाइव मिथाइल साइटिडीन ऑकर्स इन द ऑफ एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स एन सिक्स मिथालाइडीनोसाइन इज इन बैक्टेरियल डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फाइव हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटिडीन ये वालास ऑफ एनिमल्स एंड ऑफ बैक्टेरिया इनफेक्टेड विथ बैक्टीरियो फेजेस मतलब ये वाला, वाला देखिए साइटिस और ये वाला साइटोसिन इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है फिफ्थ पोजिशन में फिफ्थ पोजिशन में देखिए डिफरेंस है यहाँ पे सी एच है यहाँ पे सी एच टू एच है अगर सी CH एच से सी एच टू ओ एच में चेंज आया तब उसको बोला जाता है फाइव हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटिडाइन यहाँ पे फिफ्थ पोजिशन में मिथाइल एड हो गया है तो दिस इज फाइव मिथाइलिन साइटोसिन साइटोसिन फाइव हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटिडीन आ रहा है समझ में तो ये यू कैरियट्स में बेसिकली ये दोनों इंपॉर्टेंट है माइनर बेसिस का ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये थर्ड नंबर पे इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है तो फाइव मिथाइल साइटिडीन एंड एन सिक्स मिथाइल एडिनोसाइन

Important minor base is 5 methylcytidine, which is found in eukaryotes, and it is having methyl on the fifth position, fifth carbon. Similarly, N6 methyl adenosine is the second important minor base, which is found in case of prokaryotes, and it is having methyl on the sixth position. Then 5-hydroxymethylcytidine is having this CH2OH on the fifth position, and this is found in case of animals and bacteria infected with bacteriophages. हुआ यहां तक क्लियर हुआ अब ये कैसे हुआ क्यों हुआ और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आप समझने वाली बात है सबसे पहले इनके बारे में जान लिया आपने ये पूरा के पूरा के से है इसके बारे में, वाटसन में कुछ नहीं दिया हुआ है हो गया इतना तक आप लोगों को इतना तक क्लियर हो गया आप लोगों को क्या बोल रहे हो आप लोग क्लियर आगे बढ़े क्लियर सुनाई दे रहा है Clear, आगे बढ़े हाँ हा? क्लियर बोलिए आगे बढ़े ना मैं आगे बढ़ रही हूँ फिर clear All clear. सब क्लियर है ऑल क्लियर एक थम्सअप दे दीजिए क्या कुछ डाउट है मैं दिखाई दे रही हूँ ना लाइव हूँ ना मैं ओके प्रियंका थैंक यू क्लियर हुआ ना यहाँ तक ठीक है तो क्लियर हुआ अब हमको ये देखना है कि यू कैरेट्स में ये कैसे होता है और ये प्रो कैरेट्स में कैसे होता है ठीक है ये हो गए मॉडिफाइड बेसिस ठीक है ये माइनर बेसिस कह सकते हैं ठीक है तो माइनर बेसिस जो है मतलब कि यू कैरेट में कौन था फाइव मिथाइल साइटिडिन ये बात याद रख लीजिए यू कैरेट्स में है फाइव मिथाइल साइटेडिन और प्रो कैरेट्स में क्या है एन सिक्स मिथाइल एडिनोसाइन एक बार और देख लेते हैं एन सिक्स मिथाइल एडिनोसाइन प्रो कैरियोट फाइव मिथाइल साइटेडिन यू कैरियोट फाइव मिथाइल साइटेडिन यू कैरियोट एन सिक्स मिथाइल एडिनोसाइन प्रो कैरियोट बार 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 बोलिए याद रह जाएगा यू में साइटोसिन प्रो में एडिनाइन ए सीई यू कैरेट्स में साइटोसिन एडे नाइन प्रो कैरेट्स में यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन में यहाँ पे सिक्स पोजीशन में बस यही बस यही बात ध्यान रखना है यू कैरेट्स में फिफ्थ पोजीशन में फाइव मिथाइल साइटेडीन प्रो कैरेट्स में सिक्स पोजीशन में एन सिक्स मिथाइल एडिनोसाइन मतलब सिक्स पोजीशन का एन एच जो है एन एच टू जो था उसके साथ सी एच थ्री एड हुआ है और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन के कार्बन के साथ में सी एच थ्री एड हुआ है इसलिए फाइव मिथाइल साइटेडिन एन सिक्स मिथाइल एडिनोसाइन, ठीक है ये बात ध्यान रख ले, याद रख लिया तो के कहाँ है सबसे पहले पहले यू कैरेट की बात कर लेते हैं फाइव मिथाइल साइटोडिन क्या जितना जगह पे भी साइटोडीन है साइटोसिन है हमारे डीएनए में क्या हर जगह पे वो मिथाइलेटेड है या कहां -कहां पे हर जगह पे नहीं सब जगह पे नहीं है बहुत सारी जगहों पर सिंपल साइटोसिन भी है वो तो कहाँ कहाँ पर है यहाँ पर देख लेते हैं सेवेंटी टू एटी परसेंट पोजिशन में वो मिथाइलेटेड होता है और ये सेवेंटी टू एटी परसेंट में वो 70 परसेंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है प्रमोटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिय स्टार्ट साइट कहाँ कहाँ पे क्या क्या है सेवेंटी टू एटी परसेंट ये सब का मीनिंग अभी हम देखेंगे अभी के लिए इतना समझो 70 से 80 परसेंट डीएनए हमारा जहां पे साइटोसिन है वो मिथाइलेटेड है वो 70 से 80 परसेंट में भी 70 परसेंट प्रमोटर्स में प्रेजेंटेड मतलब क्या होता है सबसे तो पहली बात तो ये साइटोसिन का मिथाइलेशन कहाँ होता है सी पी जी या सी जी आईलैंड पे सीपीजी या सी जी आईलैंड पे मिथाइलेशन होता है सीपीजी का मतलब क्या होता है पी जी का मतलब होता है फाइव प्राइम सी फॉस्फेट जी प्राइम मतलब समझ लीजिए ये हमारा डीएनए है फिफ्थ पोजिशन में फिफ्थ पोजिशन से आ रहा है ऊपर से आ रहा है समझ लीजिए ए सी टी जी सी टी जी ऐसे आ रहा है ठीक है जी फिर अचानक से सी हो गया आ गया और फिर जी आ गया तो जहां जहां पे सी जी लगातार होंगे यहां पे सी जी लगातार है यहां पे सी जी लगातार है जहां जहां पे सी जी लगातार होंगे डीएनए में उस एरिया को कहा जाएगा सी जी आईलैंड या सी पी जी क्योंकि डीएनए में क्या होता है शुगर फिर फॉस्फेट फिर शुगर ना और इस शुगर के साथ में सी या जी लगा होगा तो सी का मतलब क्या है साइटोसिन फॉस्फेट ग्वानिन फिर फॉस्फेट आगे बढ़ेगा तो जहां पर भी सी जी कंटिन्यूएशन में आ जाता है डीएनए में उन जगहों का सेवेंटी से एटी परसेंट मिथाइलेटेड साइटोसिन है ठीक है ये वाला बात क्लियर हुआ और उसे कहा जाता है सी जी आईलैंड क्लियर हुआ इतना बात क्लियर हुआ क्लियर हुआ इतना बात आप लोगों को हम सब क्लियर हुआ सबको क्लियर हुआ इतना सबको क्लियर हुआ मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। सबको क्लियर हुआ। जैसे समझ लीजिए फाइव प्राइम एड आइमिन ग्वानिन ग्वानिन एडेनाइन एडेनाइन इस तरह से चल रहा है फिर अचानक से सीजी आ गया सी जी आ गया फिर टी ए टी फिर सी जी सी जी जी सी आ गया फॉर एग्जाम्पल सी जी जहाँ जहाँ पे सी जी है ये वाला एरिया ये वाला एरिया ये वाला एरिया ये वाला एरिया ऐसे समझ लीजिए डी एन ए में हंड्रेड जगहों पर है उनमें से सेवेंटी जगहों से एटी जगहों पर उसके सी जी में जो उसका सी है वो मिथाइलेटेड हो जाता है फिफ्थ पोजिशन में ठीक है हो गया डन थैंक यू थैंक यू प्रिंसू प्रियंका ठीक है आगे बढ़ें ये होता है सिर्फ यू के केस में ठीक है तो यहां पर देखिए मिथाइलेशन इन यूकैरियोट्स एट सी पी जी टेक्स प्लेस बाय मिथाइल डीएनए मिथाइल ये होता किस वजह से है? ये केमिकली भी हो सकता है एंड कुछ एंजाइम्स की वजह से हो सकता है बेसिकली एंजाइम्स की वजह से होता है कौन सा एंजाइम डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेस इसकी इंपॉर्टेंस आप समझेंगे आगे जाके डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेस शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डी एन एम टी डी एन ए मिथाइल ट्रांसफरेस कौन से डी एन ए मिथाइल ट्रांसफरेस डी एन एम टी वन डी एन एम टी थ्री ए एंड डी एन एम टी थ्री बी ये एंजाइम सी पी जी को सर्च करते हैं डी एन ए में और सेवेंटी से एटी परसेंट सी पी जी को वो मिथाइल कर मिथाइलेटेड कर देते हैं और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर यहाँ पे हमारा सी जी है यहाँ पे ये वाले स्टैंड में तो ये वाले स्टैंड में क्या होगा जी सी ये मिथाइलेटेड हो जाएगा तो ये भी मिथाइलेटेड होगा डायग्नोली इस तरह से दोनों स्ट्रैंड्स में मिथाइलेटेड होता है ठीक है इस तरह से होता है दोनों स्ट्रैंड में इस तरह से मिथाइलेशन चलता रहता है ये किसकी वजह से होता है डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेस कहाँ होता है 70 से 80% सीपीजी आइलैंड या सीजी आइलैंड के जगहों पर अब बात आती है कि क्यों होता है ऐसा ठीक है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिस इज एन एपीजेनेटिक मैकेनिज्म आ गया दिस इज एन एपीजेनेटिक मैकेनिज्म अब नया वर्ड आज आप लोग जानते भी होंगे शायद नहीं तो मैं बता देती हूँ एपीजेनेटिक्स क्या होता है इट इज अ ब्रांच न्यू ब्रांच अभी रिसेंट में तो नहीं लेकिन तो हाँ ये एक न्यू ब्रांच है एपीजेनेटिक का मतलब होता है कि डीएनए का सीक्वेंस को ना बदल के हम उससे जो प्रोटीन्स बनाते हैं यानी डीएनए का, का काम क्या है हमारा सेंट्रल डॉगमा क्या है डीएनए से आरएनए आरएनए से प्रोटीन ये जो है ये मैकेजम को बदल दें डीएनए को ना बदलें लेकिन डीएनए से कैसा प्रोटीन बन रहा है उसको बदल दें यही हो रहा है ना हमने यहाँ पे क्या किया साइटोसिन से मिथाइल साइटोसिन कर दिया डीएनए नहीं बदला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डीएनए को डीएनए जैसा था वैसा ही रहेगा अभी भी मिथाइल साइटोसिन ना ग्वानी देखिए यहाँ पर ये मिथाइल साइटोसिन हो गया फिर भी ये ग्वानीन के साथ ही पैर किया है ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो हमने जो साइटो जो एंजाइम है डीएनए मिथाइल ट्रांसफर उसने साइटोसिन को मिथाइल साइटोसिन में कन्वर्ट कर दिया इससे डीएनए पे कोई असर नहीं पड़ा लेकिन उस डीएनए से जो प्रोटीन बनता उस पर असर पड़ गया इसी को बोलते हैं एपीजेनेटिक्स ठीक है एपीजेनेटिक्स क्या है विदाउट चेंजिंग द डीएनए सिक्वेंस वी आर चेंजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ डीएनए ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है मिथाइलेशन कर देने की वजह से क्या होता है वो वाला रीजियन डीएनए का साइलेंस हो जाता है न डू जीन साइलेंसिंग जीन साइलेंसिंग का मतलब क्या होता है जीन वो पोर्शन है डीएनए का जिससे कि प्रोटीन बन सकता है ठीक है ना जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कह सकते हैं तो जो जीन है उससे समझ लीजिए प्रोटीन नहीं बनाना है फॉर एग्जाम्पल उसे क्या कर देंगे साइलेंट कर देंगे ये साइलेंट कैसे होगा अगर हम उसे मिथाइल करें ऐसे तो बहुत सारे मैकेजम्स है कि जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं उससे लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है दैट इज बाय कन्वर्टिंग द मेजर बेसिस इनटू माइनर बेसिस इन डीएनए बाय द हेल्प ऑफ डीएनए मिथाइल ट्रांसफर डी एन एम टी वन डी एन एम टी थ्री ए एंडी एन एम टी थ्री बी ओके है क्या जीन साइलेंसिंग क्या है अब ये देखते हैं फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए किडनी का एक सेल है ठीक है okay? किडनी के सेल का, का काम क्या है किडनी के सेल का, का काम है कि वो uh, वाटर को प्योरीफा हमारे बॉडी के आयनिक एंड वाटर बैलेंस को मेंटेन करे तो डी किडनी के सेल में वही डी दी, एन से उसी जीन से वही जीन से प्रोटीन बनेंगे जो उसको जरूरत है लेकिन उसके पास तो डीएनए सारे हैं फोर्टी सिक्स डी एन मोलिक्यूल्स हैं सारे जीन प्रेजेंट है तो उन सारे जीन्स को तो वो यूज नहीं करेगा वो कौन से जीन्स को यूज करेगा जिससे उसकी जरूरत है जिस जीन से प्रोटीन की उसको जरूरत है वो उसी को यूज़ करेगा तो बाकी जीन्स को कैसे चुप कराया जाएगा बाकी जीन को कैसे साइलेंस किया जाएगा वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे समझ में आ गया जहाँ पे जो जीन की जरूरत है वहाँ पे वही जीन एक्सप्रेस करे, इसके लिए जीन साइलेंसिंग करने की बहुत जरूरत पड़ती है जीन साइलेंसिंग के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है मिथाइलेशन इन केस ऑफ यू ऑफ सी आइलैंड तो मिथाइलेशन कैसे होता है डीएनए मिथाइल ट्रांसफर होता का है सेवेंटी से एटी परसेंट में और सबसे ज्यादा सेवेंटी टू एसेंट में से भी सेवेंटी परसेंट प्रमोटर्स में देखा जाता है अब ये प्रोटर क्या है तो आप लोगों को पता होगा कि डीएनए से क्या होता है आर एन से क्या होता है प्रोटीन है ना तो जो डीएनए से आर होता है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन और आर से जो प्रोटीन होता है दैट इज ट्रांसलेशन तो डीएनए से जो आर होता है तो ये समझ लीजिए हमारा डीएनए है लंबा सा एक ये पूरा के पूरा डीएनए से तो आर एक आर नहीं बनेगा क्या होता है डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं समझ लीजिए ये जीन वन है ये जीन टू है इस तरह से होता है तो जीन वन से आर एन बनेगा जिससे कि प्रोटीन वन बनेगा है ना तो ये जीन वन से आर एन बनेगा आर एन से प्रोटीन वन बनेगा इस जीन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ छोटा सा ठीक है अब इस जीन से हमें आर बनाना है है ना इस जीन से जब आर बनाएंगे तो उसमें होगा सेगमेंट ये जो जीन है ये जीन हमें आर को कॉपी करना है ठीक है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन ये जो जीन है इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसका हमेशा एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक स्टॉप पॉइंट होगा जहां पे हमको ट्रांसक्रिप्शन इस जीन को कन्वर्ट करना है आर में ठीक है जो स्टार्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट ठीक है जो स्टार्ट साइट होता है उससे जस्ट पहले एक रीजन होता है जीन का जिसको कहा जाता है प्रमोटर तो आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे मैं उनके लिए बता रही हूँ प्रमोटर प्रमोटर क्या होता है तो प्रमोटर वो स्पेशलाइज सीक्वेंस होता है हमारे जीन का जिसके ऊपर आर एन एसे आर एन ए पॉलीमरेज बाइंड करता है और भी बहुत कुछ चीज़ें लेकिन आर एन पॉलीमरेज बाइंड करता है और आर एन पॉलीमरेज हमारा मेन एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन करने का ठीक है तो तो जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है उसका एक स्टार्ट साइट होता है एक स्टॉप साइट होता है फिर एक प्रोमोटर होता है और ये बात याद रखेंगे ये प्रोमोटर कभी आर में नहीं आएगा और ये आर से फिर प्रोटीन जो बनेगा उस प्रोटीन में कभी भी ये प्रोमोटर रीजन नहीं आएगा तो ये प्रोमोटर रीजन में जो सी पी जी आईलैंड्स होंगे या सी पी जी जो रीजियंस होंगे वो मैक्सिमम जगहों पर हमारा क्या हो जाएगा मिथाइलेटेड हो जाएगा ग्वार ऐसा क्यों होगा ऐसा क्यों होगा ऐसा करने से क्या होगा अगर हम उस रीजन में उसको मिथाइलेट कर देंगे उस साइटोसिन को तो जिस आर एन ए से हमको प्रोटीन नहीं जिस सॉरी जिस डी एन ए से जिस जीन से हमको आर एन ए नहीं चाहिए उस जीन को हम साइलेंस कर देंगे कैसे साइलेंस करेंगे वहाँ के प्रमोटर को हम मिथाइलेट कर देंगे प्रोमोटर मिथाइलेट हो जाएगा तो उस पर पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा पॉलीमर पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो उससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आर एन ए नहीं बनेगा आर एन ए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा वो जीन काम नहीं करेगा उस सेल में जिसकी हमें जरूरत नहीं है तो इस तरह से 70 से आर मिथाइलेटेड आउट ऑफ से दोवेंटी सेवेंटी परसेंट आर प्रोमोटर्स विच आर मिथाइलेटेड

एमआई क्लियर एम आई क्लियर यहां तक ठीक है तो एम आई क्लियर आगे बढ़े कोई रिप्लाई कर दीजिए तो मैं आगे बढ़ूंगी फिर क्या हुआ प्रया का नो no, मतलब क्या कोई डाउट नहीं है या मैं आगे ना बढ़ूं अगर कोई डाउट है तो बोलो नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं यस yes, बोल दो क्लियर 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 सभी clear है? सभी है है इस चीज के लिए यहाँ पे बहुत सारी बेसिक बातें हो रही हैं इससे आप अगर मुझे पूछेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा डीएनएम तो मिथाइल ट्रांसफर अगर आज आप समझे इसके बारे में कुछ कहीं क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पता रहेगा कि क्या है इसका मतलब यस मैम कंटिन्यू ओके थैंक यू तो हो गया ये वाला स्लाइड क्लियर हो गया बेटा ये स्लाइड मैंने अपने मन से बनाया है पढ़ पढ़ के ये यहाँ लेनिंजर में नहीं है लेनिंजर में सिर्फ ये वाला रीजन है ये है रीजन लेनिंजर में सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ है लेनिंजर में और ये डायग्राम से बस ये डायग्राम है और ये डायग्राम है बस और पैराग्राफ ये वाला है बस ये पैराग्राफ लेनजर का है ये मैंने अपने से बनाया है ठीक है तो सी पी जी क्लियर हो गया आपको अब इसके अलावा क्या क्या करता है जीन साइलेंसिंग के अलावा क्या करता है क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन मतलब अगर मिथाइलेटेड होगा ना डीएनए तो वो आसानी से कॉयल हो पाएगा क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो पाएगा देन और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्सक्रोमोजोम इनएक्टिवेशन जेनेटिक इम्प्रिंटिंग ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे आने वाले समय में पढ़ना है आपको जीन रेगुलेशन में नहीं तो वहाँ सब पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक्सक्रोमोजोम इनएक्टिवेशन मतलब क्या होता है फीमेल्स के पास में दो एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं और मेल के पास में एक ही होता है एक्स एक्स और एक्स वाई तो मेल्स फीमेल्स के केस में क्या होता है हर सोमैटिक सेल हर सेल में इनफैक्ट एक्स क्रोमोजोम जो दो होते हैं उनमें से एक को साइलेंट कर दिया जाता है इसको बोलते हैं एक्स क्रोमोजोम इनएक्टिवेशन ये भी सी 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 पी जी के मिथाइलेशन की वजह से होता है यानी डी एन ए मिथाइल ट्रांसफरेंस क्या करता है टैलेंट कर देता है लेकिन ये बात याद रखेंगे जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो ये हटा दिया जाता है क्योंकि गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है मेोसिस करना है ना हमको दोनों क्रोमोजोम का हमको कॉपी चाहिए तो अगर एक को हम मिथाइलेट करके उसको कॉम्पैक्ट करके क्योंकि मिथाइलेशन होने के बाद ज़्यादा अच्छे से कॉइल हो सकता है डी एन अगर ऐसा कर देंगे तो वो तो रे, रे, रेप्लीकेशन हो ही नहीं पाएगा तो जब गैमेटोजेनेसिस होगा जीन साइलेंसिंग को हटा दिया जाएगा मतलब डीएनए मिथाइलेशन नहीं होगा आ, हटा दिया जाएगा उसको डी मिथाइलेट मिथाइलेशन कर दिया जाएगा ठीक है तो मिथाइलेशन डीएनए मिथाइलेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप एक्स इन इनएक्टिवेशन जीन साइलेंसिंग क्रोमैटिक कॉम्पैक्शन ये देख सकते हैं एंड ये याद रखना है कि ये एक एपिजेनेटिक मैकेनिज्म है डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज ये तीन डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज के नाम याद रखने हैं फिर ये भी याद रखना है कि ये प्रमोटर्स में होते हैं डन ये हो गया हमारा यू कैरियड का केस यू के केस में क्या साइटोसिन मिथाइलेट होता है सी में मिथाइल होता है फिफ्थ पोजिशन में होता है और डी मिथाइल ट्रांसफर इसकी वजह से होता है ठीक है डन डन अब आगे बढ़ते हैं तो अब आप तो हम देखते हैं प्रो के केस में क्या होता है तो प्रो के केस में कौन मिथाइलेट होता है कौन मिथाइलेट होता है जल्दी से आंसर कर दीजिए यू के केस में साइटोसिन होता है प्रो के केस में कौन होता है जल्दी 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 आंसर बोल दीजिए जल्दी आंसर बोल दीजिए नौ बजे क्लास वाइंड अप करेंगे हम जल्दी 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 कौन मिथाइलेट होता है प्रो के केस में यू के केस में साइटोसिन प्रो के केस में बोलिए जल्दी बोलिए रिप्लाई कीजिए प्रो के केस में कौन मिथाइलेट होता है अभी देख के बताइए डायग्राम देख के बता दीजिए कौन मिथाइलेट होता है प्रो के केस में एडिनोसाइन ठीक है प्रो के केस में क्या होता है प्रो के केस में आ गया के केस में एडीनाइन मिथाइलेज सॉरी जो है हमारा उसको मिथाइलेट करते हैं एन सिक्स पे तो एन सिक्स मिथाइल एडिनोसाइन दिस इज द माइनर बेस फाउंड इन बेस ऑफ प्रो कैरेट द मेजर बेस इज एडिनाइन है ना ठीक है ये जो होता है उस केस में किसकी वजह से होता था डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेस की वजह से डीएनएम टी इस केस में होता है डैम की वजह से डैम की वजह से डैम का फुल फॉर्म क्या है डी एन एड ए नाइन मिथाइलेस डीएनए नाइन मिथाइलेस ये चीजें बुक में नहीं है तो ये चीजें आपको ज्यादा ध्यान देना है स्क्रीन शॉट रखना है या लिखना है अपनी कॉपी में तो डीएनए नाइन मिथाइलेस इज द एनजाइम इन्वॉल्व इन केस ऑफ प्रो कैरियर विच मिथाइलेट्स एडेनाइन इन केस ऑफ यू कैरियस द एनजाइम इन्वॉल्व इज डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंड इट मिथाइलेट्स साइटोसिन एट फिफ्थ पोजिशन डी एन एड ए नाइन मिथाइलेजाइलेट्स एन सिक्स ऑफ एडिनट्स ठीक है प्रो कैरियट्स केस में ये ज्यादा प्राइमरली देखा जाता है और भी कुछ है मिथाइलेशन लेकिन ये ज्यादा देखा जाता है तो ये क्या है दिस डी एन एड ए नाइन मिथाइलेज इज अ पार्ट ऑफ ये ऑफ होगा ऑफ होगा पार्ट ऑफ मॉडिफिकेशन सिस्टम अब ये क्या है रेस्ट्रिक्शन टू सिस्टमेंट्स डीएनए मिथाइल ट्रांसफर एंडोन्यूक्लियस अच्छा आप लोग को ये बात पता होगा कि बैक्टीरिया के केस में उसका क्रोमोजोमल डीएनए होता है प्लस प्लाज्मिड होते हैं बहुत सारे ठीक है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं बैक्टीरिया जो प्ला बैक्टीरिया दे कैन सिंथेसाइज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे कैन सिंथिसाइज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं दे प्रिवेंट द अटैक ऑफ वायरसेस इसके ऊपर अगर कोई वायरस अटैक कर दिया तो उसके डी एन ए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है एक प्रोटेक्टिव मेकानिज्म है बैक्टीरिया के के केस में यही हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं हम बैक्टीरिया की बॉडी से यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को निकाल के यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करके और डीएनए को कट करते हैं स्पेशली स्पेसिफिक पोजीशंस में हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिकली अलग अलग जगहों पे कट करता है डीएनए में तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नेचुरल एंजाइम्स हैं जो कि बैक्टीरिया बनाते हैं और ये अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं ठीक है तो अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डी को कट करेगा तो उसे तो ये भी हो सकता है ना कि गलती हो जाए उसके एंजाइम को और वो गलती से अपने डीएनए को कट कर दे इसके लिए क्या किया जाता है वो बैक्टीरिया अपने डीएनए को मॉडिफाई कर लेता है ताकि उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको ना काट के बाहर से कोई डीएनए अगर आया है उसको काट दे तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सेल्फ और नॉन सेल्फ में सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएशन होना ज़रूरी है उसे पता होना चाहिए कि उसका डीएनए कौन सा है और बाहर से कौन सा डीएनए आया है इसी को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के काम को मॉडिफाई करना होता है अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने काम को मॉडिफाई नहीं करेगा मतलब अगर वो पहचानेगा ही नहीं कि खुद का डीएनए कौन सा है और बाहर से कौन सा डीएनए आया है तो वो किसी को भी कट कर देगा इसके लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से खुद को बचाने के लिए बैक्टीरिया क्या करते हैं वो अपने डीएनए को मिथाइलेट कर लेते हैं ताकि उसका डीएनए वो पहचान सके कि उसका कौन सा है और बाहर का कौन सा है और वो बाहर वाले को ही कट कर सके ठीक है इसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम तो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये ये दो तरह के होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एक्जोन्यूक्लियस ठीक है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एक्जो न्यूक्लियस क्या होता है तो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो होता है वो डी के बीच में से कट करता है एक्जो न्यूक्लियस जो होता है वो एंड्स में से कट करता है तो डीएनए एक्जोन्यूक्लियस uh, और एंडोन्यूक्लियस ये दो तरह के हैं एंजाइम्स ठीक है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एक्जोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या होगा सबसे पहले तो होगा एक डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेस और एक होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेस क्या करेगा तो डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेस एडे को मिथाइलेट कर देगा जहाँ पे भी एडे होंगे डीएनए में बैक्टीरिया के उसे मिथाइलेट कर देगा ये वाला एंजाइम इससे क्या होगा जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जो बैक्टीरिया बना रहा है वो पहचान जाएगा कि उसका खुद का डीएनए कौन सा है और उसके बाहर से कौन सा डीएनए आया है ठीक है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का पार्ट है डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेस और ये मिथाइलेट करता है एडेनाइन को और उसके एन सिक्स पोजिशन में मिथाइलेट करता है जिस वजह से जो बैक्टीरिया होता है उसके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहचान पाते हैं कि उसका खुद का डीएनए कौन सा है तो बाहर से कौन सा डीएनए आया है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ तो ये एक माइनर बेस है कौन सा एन सिक्स मिथाइल एडिनोसाइन जिसकी कितनी इंपॉर्टेंस है देखो आ रहा है समझ में यहाँ तक सबको क्लियर हो गया माइनर बेस इन डी एंड माइनर बेस इन आर सॉरी माइनर बेस इन माइनर बेस इन डी एन ए ऑफ प्रो कैरियॉट एंड यू कैरियॉट क्लियर क्लियर एम आई क्लियर प्लीज़ हाँ बोल दीजिए नहीं तो नहीं बोल दीजिए मुझे समझ में आ जाएगा कि क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ है हाँ मुझे नौ बजे तक वाइंड अप करना है और पाँच मिनट है मेरे पास बोलिए एम आई क्लियर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आगे बढ़ाऊँ आगे बढ़ाऊँ मैं चीजों को माइनर बेस इन डीएनए इन केस ऑफ प्रो कैरियड यू प्रो में साइटोसिन यू में एडेनाइन प्रो में करने से जीन साइलेंसिंग प्रो में करने से रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम बस यहाँ पे डीएनएमटी यहाँ पे डैम ठीक है ठीक है आगे बढ़े समझ में आ गया यहाँ पर सबको यहां तक सबको समझ में आया कोई डाउट है यहाँ तक सबको समझ में आया या कोई डाउट है आगे बढ़े आगे बढ़े सबको क्लियर सब है यहाँ तक सबको क्लियर है यहाँ तक ठीक है मैं आगे बढ़ती हूँ तो इस तरह से हम माइनर बेसिस का इंपॉर्टेंस देख लिए डीएनए के केस में ठीक है तो डीएनए के केसेस में चार माइनर बेसिस थे हमारे फाइव मिथाइल साइटिडाइन एन सिक्स मिथाइल एडिनोसाइन फाइव हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटिडाइन एंड एन टू मिथाइल गोसाइन ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं अब माइनर बेसिस इन आर एन ए आर एन ए में भी कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो कि माइनर होते हैं कौन से आर एन ए में टी आर एन ए मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें ये बताया था कि टी आर एन ए का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इस इसपे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि टी आर एन ए में बहुत सारे बेसिस जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं क्योंकि टी आर एन ए का फंक्शन ही ऐसा होता है कि उसको अपने बेसिस को मॉडिफाई करना पड़ता है तो कौन से बेसिस हैं यहाँ पर देखिए आइनोसिन एक एक है बेस जो कि डी आर एन ए में पाया जाता है सीडो यूरिडिन पाया जाता है एन सेवन मिथाइल ग्वानोसिन एंड फोर था यूरिडीन ये चार एग्जाम्पल्स हैं वो बेसिस जो कि टी आर एन ए में पाए जाते हैं और ये इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइनोसिन एंड सीडो यूरिडिन ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइनोसिन क्या है एंड सीडो यूरिडिन क्या है ये हमको जानना है तो आइनोसिन जो है वो एक मॉडिफाइड हाइपो एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोसाइड है जैसे कि हाइपोजैंथिन आयनोसिन इज इक्वल टू हाइपोजैंथिन अब ये हाइपोजैंथिन क्या है हाइपोजैंथिन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन बस इतना याद रखिए अभी के लिए ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे डियामिनेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तब तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी अभी के लिए इतना ही समझिए कि आयनोसिन जो है वो हाइपोजैंथिन है वॉट इज हाइपोजैंथिन एडेनाइन है एडेनाइन जब मॉडिफाई हो जाता है तब उसको कहा जाता है हाइपोजेंथिन मॉडिफाई मतलब मिथाइल ग्रुप या अमीनो ग्रुप उसका चेंज हो जाता है एक्चुअली में क्या होता है एडेनाइन हम देख लेते हैं एडे जो होता है ये आइडे है ना यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ जाता है वो हो गया हमारा हाइपोजेंथिन यही है बस ठीक है तो हाइपोजेंथिन जो है अगर वो प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाता है आइनोसिन वॉट इज आइनोसिन आइनोसिन इज वेन हाइपोजेंथिन इज अटैच विद शुगर शुगर के साथ नॉर्मल एडेनाइन और इसी शुगर के साथ में अगर इस एडेनाइन की जगह पे हाइपोजेंथिन लग जाता है तब उसे कहा जाता है आइनोसिन एंड दिस आइनोसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टी आर एन ए स्ट्रक्चर अभी के लिए इतना ही काफी है जब टी आर एन ए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब देखेंगे देन सीडो यूरिडीन क्या है सीडो यूरिडीन इज एन यूरासिल बस और कुछ नहीं ये यूरासिल है बस डिफरेंस क्या है यूरासिल क्या होता है शुगर के किस पोजिशन के साथ लगता है बेस शुगर का तो कार्बन नंबर वन रहता है लेकिन यूरासिल का कौन सा नाइट्रोजन लगता है एन ना एन वन तो यहाँ पे नॉर्मली यूरासिल जो होता है वो इस नाइट्रोजन से अटैच होता है शुगर के साथ में लेकिन सीडो यूरिडिन में क्या होता है वो एन वन की जगह पे सॉरी वो सीडो यूरिडिन क्या होता है सी फाइव के साथ अटैच होता है मतलब हमारा शुगर ये है कार्बन नंबर वन यहाँ पे हमारा यूरासिल लेकिन वो कार्बन नंबर फाइव के साथ अटैच होता है यूरासिल जब तब तो उसे कहा जाता है सीडो यूरिडिन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीडो यूरिडिन एंड आयोनोसिन आर द मॉडिफाइड बेसिस और माइनर बेसिस इन आर एन और इनके डायग्राम इनका स्ट्रक्चर इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है टी के स्ट्रक्चर पढ़ने के टाइम में हम देखेंगे तो मॉडिफाइड बेसिस हो गए आयोनोसिन सीडो यूरिडिन फोर्थ हाउो यूरिडिन एंड सेवन मिथाइल गुणिस फोर्थ हाई यूरिडिन क्या है देखिए फोर्थ पोजीशन में सल्फर है ठीक है सेवन मिथाइल ग्वानशिन के सेवन पोजिशन में मिथाइल ऐड कर दिया गया है ग्वान की जगह पे तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आर एन ए में पाए जाते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स डी एन ए में पाए जाते हैं ये प्रो कैरेट में ये यू कैरेट में इस तरह से हमारे मॉडिफाइड बेसिस काम करते हैं अच्छा अब बॉन्ड के बारे में प्रियंका शायद बहुत पूछ रही थी ये मैं पढ़ाऊंगी स्लाइड्स हैं मेरे पास मैं श्योर पढ़ाऊंगी आज हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने देखा कि हाइड्रो पहले तो स्टार्ट किया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है उससे स्टार्ट किया उसके बाद हमने क्या देखा कि डोनर और रेसिपेंट कैसे पहचानते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर हमने रिवाइज़ किया कि क्यों एडेनइन और थैमिन के बीच में दो डी एन बॉन्ड बनता है क्यों तीन नहीं बन सकता क्यों एडेनइन साइटोसिन के साथ में बॉन्डिंग नहीं करता है ये देखा हमने फिर हमने क्या देखा हमने देखा दो तीन पैराग्राफ ऑट्सन के जो मैंने आपको क्लियर कराए मैंने आपको पहले बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड का इम्पोर्टेंस क्या है उसके बाद डबल हेलिक्स जो होता है उसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करती है बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन क्या होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है वैंडोवालस इंटरेक्शन क्या होता है ये सारी चीजें हमने देखी देन हमने क्या देखा कि वाटर uh, मॉलिक्यूल का क्या इंपॉर्टेंस है अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर में डिजोल्व होता है तो क्या होता है फिर हमने देखा शुगर पकरिंग क्या होता है कौन सा शुगर पकरिंग स्टेबल है फिर हमने देखा टोटोमेरिज्म क्या है टोटोमेरिज्म दो तरह के हैं केटो इनॉल अमीनो इमिनो कौन से नाइट्रोजेनियस बेस कौन सा टोटोमेरिज्म करते हैं फिर लैक्टम लैक्टिन क्या है उनके स्ट्रक्चर्स देखे हमने उसके बाद माइनर बेसिस इन डीएनए देखा हमने डीएनए में देखा कि यू कैरियउ अप्रो कैरियट में मेजर बेसिस के अलावा कुछ माइनर बेसिस भी होते हैं यू कैरियट में माइनर बेसिस होने से डीएनए का जो रोल होता है वो और बेटर हो जाता है तो हम डीएनए को साइलेंस कर सकते हैं एक्स एक्सक्रोमोजोम इनएक्टिवेशन कर सकते हैं वैसे प्रो में रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम हो सकता है फिर आर में जो बेसिस हैं वो उसके फंक्शन में उसको हेल्प करते हैं आर के माइनर बेसिस हो गए आयोनिसिन सीडो यूरिडीन सेवन मिथाइल ग्वानिसिन एंड फोर्थ थायो यूरिडीन उसी तरह से डीएनए के माइनर बेसिस हो गए फाइव मिथाइल साइटिडीन एन सिक्स मिथाइल एडिनोसाइन एन टू मिथाइल ग्वानोसाइन एंड फाइव हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटिडाइन ये इस तरह से हमने आज का ये क्लियर कर दिया अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आर को क्यों अनस्टेबल कहा जाता है और डी को क्यों स्टेबल कहा जाता है उसके बाद देखेंगे एब्जॉपशन फेनोमेना ऑफ डी फिर हम देखेंगे वाटसन क्रिक पेयरिंग फिर देखेंगे वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डी आई थिंक इतने के बाद ये वाला पोर्शन वाइंड अप हो जाएगा फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट करेंगे और थर्टी मिनट सेशन चलता रहेगा फिर मैंने आपको बताया भी ये बात कि आप जो सब्सक्रिप्शन है वो खरीद सकते हैं ट्वेल्व मंथ्स का खरीदने से आपको वन मंथ का फ्री मिलेगा रुकिए और इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अब मिलेंगे हम कल सात बजे थैंक यू इस क्लास को अटेंड करने के लिए थैंक यू गुड नाइट थैंक यू